नमस्कार मैं अभिनय आप सबका अभिनय पे स्वागत करता स्वागत उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आज की क्लास प्रोबेबिलिटी की क्लास है अगर मैं ये कहूँ कि प्रोबेबिलिटी कितना महत्वपूर्ण है तो इसका जवाब होगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जिसको अभी अभी सिलेबस में शामिल किया गया है और अगर किसी भी चीज़ को जब शामिल किया जाता है आपके घर में अगर कोई एक नई चीज आ जाए तो हम किसी और पुरानी चीज़ का इस्तेमाल करें ना करें बट उस नई चीज़ का जरूर करते हैं यानी ये तय है कि प्रोबेबिलिटी भले ही एक छोटा टॉपिक है भले ही एक क्लास का टॉपिक है लेकिन इससे सवाल जरूर आएगा और मैं अपनी पूरी ताकत और पूरी शिद्दत और हंड्रेड परसेंट एफर्ट के साथ आज प्रोबेबिलिटी आपके दिल में उतार दूंगा उससे पहले कुछ बातें जो मैं कहना चाहता था हमने लिखा था कि किस्मत पे हम कुछ बात करेंगे अगर कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं कि किस्मत में यही था और किस्मत में इतना ही था भाई फोकस कर लो आप थोड़ा और ये बातें बोलकर हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं ये एक अच्छा जरिया भी है अपनी इच्छाओं को रोकने का और खुश रहने का पर अगर बार बार आप यही बोल रहे हो कि किस्मत में यही है तो आप अपनी गलतियों को छुपाने और बार बार वही गलती दोहराने का नया तरीका या बहाना ढूंढ रहे हो आप जिसे किस्मत मानते हो वो भी आपकी खुद की बनाई हुई आपने किस तरीके से ढाला है उस पर काफ़ी हद तक निर्भर मैं कहता हूँ कि हिस्सो जिंदगी को आज ही इस तरह कि सबक अनुभवों के लिए बुढ़ापे की जरूरत ना पड़े इसका मतलब है कि आपने जीवन जिया आप कैसे खुद को तैयार कर रहे हो हम सभी पैदा होते हैं एक ही जैसे हम 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 सब 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 सीखते हैं हम सब पढ़ते हैं हम सब जानते हैं पढ़ते जानते बस वहीं से शुरू होता है ये नहीं कि आप कुछ बदल नहीं सकते आप बदल सकते हो उसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक तरीके से खुद को बदलना पड़ेगा खुद की इंद्रियों पर विजय पानी पड़ेगी एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि किस्मत में लेके फैसले बदला नहीं करते लेकिन आप फैसला तो लीजिए क्या पता किस्मत बदल जाए क्योंकि किस्मत भी उनका साथ देती है जो कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं किस्मत से मेरा मतलब है कि किस्मत मैं मानता हूँ बहुत बहुत जरूरी है और होती भी है बिना किस्मत के कोई भी आगे नहीं बढ़ा आप देखते हो कि कई लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं उसकी वजह क्या उन्होंने सही वक्त पे जो सही चीज़ें सही अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको ग्रैप कर लिया पहले अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया फिर उस पर रिस्पॉन्ड किया और फिर रिजल्ट उनके सामने सबसे बड़ी चीज़ ये है ऐसा नहीं कि हम घर बैठे रहेंगे और हमारी किस्मत चल जाएगी हम घर से निकल के जब बाहर जाएंगे तो हमें हर एक इंसान को जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की मिलती हैं बस फर्क इतना है कि जिसकी किस्मत अच्छी है उसे बहुत ज़्यादा मिलती है हर पल मिलती हैं इनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है उन्हें कम मिलती है लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल अनुभव बताऊँ तो मैंने ये देखा है कि किस्मत हर एक इंसान की बन सकती है जैसे आज से मैं अगर बात करूं आज से छः या सात साल पहले मेरी किस्मत उतनी तो अच्छी नहीं थी लेकिन उसके बाद अच्छी बनी तो कैसे बनी क्योंकि तो मैंने अपने आप को बदला मैंने अपने सोचने के तरीके को बदला मैंने अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप की मैं अपने अंदर नैतिकता लेके आया मैंने अपने अंदर से सेल्फिशनेस खत्म की जब मैंने अपने अंदर से खराब चीज़ों को मारा और प्रैक्टिस करके नई चीज़ें लेकर आया तो मेरी किस्मत अपने आप बदलने लगी यानी अगर आप अपने अच्छे अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप कर लेते हो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो तो समझ लो कि आपकी किस्मत अपने आप बोलेगी किस्मत का मतलब बस इतना ही होता है कि हम कम एफर्ट लगाते हैं और हमें ज्यादा चीजें मिलती हैं किस्मत अगर खराब है हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं और हमें कम चीज़ें तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को बदल लें अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं अपने अंदर ऐसी क्वालिटी लेके आए कि सबका भला होना चाहिए सबकी खुशियों का ध्यान रखना है तो अपने आप किस्मत बदलने लगेगी सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाए आप खुद सोचो जब आप सीरियल की तैयारी के लिए आए या किसी भी तैयारी को शुरू करते हो तो क्या आप जब सोचते हो तभी सेलेक्ट हो जाते हो नहीं क्योंकि आपको उसके लिए बुलंद हौसलों के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है तब जाके आप एक दिन सफल होते हो आज हम जितने भी महापुरुषों को जान पाए हैं उन्होंने सही समय पर सही जगह पर अपनी क्वालिटी अपनी बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग किया है तब जाके वो जीवन में आगे बढ़ पाए तो आपका लक हर रोज बदलता है आपकी की हुई मेहनत और सीख पर निर्भर करता है क्योंकि किस्मत के भरोसे अगर बैठ जाओगे तो समझो आप आलसी हो आप कुछ करना ही नहीं चाहते और किस्मत बदलनी है अगर तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे देखिए चाहे क्लास के अंदर सौ बच्चे होंगे जो सीरियस तरीके से पढ़ेंगे लेकिन मेरा देह है कि अगर एक भी बच्चा ऐसा है जो सीरियस तरीके से पढ़ना चाहता है जो अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा प्रोबेबिलिटी को समझाने में प्रोबेबिलिटी चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो प्रोबेबिलिटी चाहे आप एस की तैयारी कर रहे हो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रोबेबिलिटी देखिए हम सब जानते हैं कि अब एसएससी सिर्फ 390 नंबर पे है यानी तीन सौ नब्बे नंबर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट मिले पहले सात सौ नंबर होते थे और सात सौ में एक दो नंबर इधर से उधर हो गया तो इतना फर्क नहीं पड़ता था फिर भी पड़ता था कि किसी को जी एस टी इंस्पेक्टर मिल रहा है और उसको बाद में ऑडिटर मिल गया होता था या नहीं होता था ऐसा तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तीन सौ नब्बे नंबर का खेल है और उसके अंदर एक सवाल भी प्रोबेबिलिटी का आ गया तो वो इतना बड़ा अंतर डाल सकता है कि आपकी पोस्ट को ऊपर से नीचे पहुंचा

बिल्कुल भी फोकस मत करिए कौन बच्चा क्या कह रहा है नहीं कह रहा है मैं बात भी करूंगा बीच बीच में आपसे ऐसा नहीं है बट मैं अगर अपने खराब वक्त में से भी एक बहुत प्यारा सा वक्त आपके लिए निकाल कर लाया हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे पढ़ें सौ बच्चे ऐसे हों जिनको मैं ये प्रोबेबिलिटी सिखा पाऊँ जो तो इनके पास कोई भी कोर्स नहीं है जो सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड है ठीक है तो हमने कहा सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है

तो मुझे क्लियर है कि या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार या पांच ये एक्सपेरिमेंट है और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं वेल well डिफाइंड है कि अगर मैं ऐसे सीधे चलूंगा तो मेरा सर कैमरे में लग जाएगा ये वेल well डिफाइंड है इन सबको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं या मैंने ऐसे करके मारूंगा तो कैमरा गिर जाएगा ये तय है तो ये वेल well डिफाइंड आउटकम्स को हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट कहते हैं ये बात क्लियर है एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है एक्सपेरिमेंट का मतलब है एन ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल देखिए फिर बच्चे इधर उधर की बातें यहाँ पे करने लगे हैं तो मैं एक ही चीज बताऊंगा इस बात को खत्म करूंगा कि सर मेरे पास इक्कीस सौ रुपए मेरे पास पांच सौ रुपए हैं मुझे अपना ये बैच दे दीजिए दे देखिए जितने भी ऐसे बच्चे हैं मैं एक ही बार में ये बात बताऊंगा और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा हम अभिनम एस ऐप है हमारी जहाँ पे एम सी एच एस एल या फिर सी जी एल के बैचे चलते हैं तो जो भी बच्चे इस तरीके के मैसेज लिख रहे हैं वो यहाँ प्लीज़ ना लिखें मेरी रिक्वेस्ट है मुझे पढ़ाने दें मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ आप इस नंबर पे ये मैसेज करें व्हाट्सअप पे और मैं देखता हूँ खुद ही कि सारे मैसेज के रिप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर रहा है तो मैथ्स विद अभिनय जो मैसेज आप यहाँ पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पे कर दें हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक एक बच्चे की मदद कर पाए जिस तरीके से भी हो और सबकी कर भी रहे ठीक है तो बस इसके बाद अब मैं कुछ नहीं करूंगा इस पर और कोई भी बच्चा कमेंट करके मुझे परेशान नहीं करेगा मैंने कहा एक्सपेरिमेंट एंड ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं एक्सपेरिमेंट हम समझ के नहीं समझे आप लिख लीजिएगा बाद में समझ लेंगे ठीक है आवाज बढ़ा दें थोड़ा चले तेज बोलते हैं और तेज बोलते हैं ऊपर कर लेते हैं माइक को ठीक है अब ठीक है अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट ये कह रहा है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पे हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा बट ये पता है कि इनमें से कोई आएगा इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मुझे नहीं पता कि क्या आएगा लेकिन ये तय है या तो हेड आएगा या टेल आएगा हेड या टेल आएगा दोनों में से कोई एक आएगा बात क्लियर है ठीक है भाई ये बात क्लियर है सबको ऐसा कोई बच्चा जिसको ये बात क्लियर ना हो मैंने इतनी सी बात कही है कि एक प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं और सटीक परिणाम की पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जैसे एक सिक्के को उछालना मुझे ये मालूम है कि एक पासे को अगर मैं फेंकूंगा तो एक दो तीन चार पाँच छः आएगा और अगर एक दो तीन चार पांच छः आ रहा है तो उसमें कौन सा आएगा ये मुझे नहीं पता तो ये क्या होता है रेंडम एक्सपेरिमेंट हो ये क्लियर है सबको रेंडम एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर है ऐसा कोई बच्चा जिसको रेंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर ना हो आगे बढ़ते हैं इसके बाद कुछ पॉइंट जैसे व्हेन वी थ्रो ए कॉन देन ईदर ए हेड और ए टेल जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा या फिर अगर हम एक सॉलिड क्यूब जिसको डाइस कहते हैं उसको उछालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक दो तीन चार पाँच है एक पासा एक ठोस घन होता है जिसके छह फलक होते हैं आपने देखा होगा इस तरीके से बनता है लूडो खेली होगी आपने लॉकडाउन में तो जरूर खेली होगी लूडो तो लूडो में क्या होता था एक दो तीन चार पांच छह वेन बी थ्रो ए डाइस द आउटकम इज दैट नंबर अपियर ऑन इट अपर फेस लेकिन क्या होता है जब हम डाइस को उछालते हैं तो जो सबसे ऊपर वाली सरफेस पे लिखा रहता है जो सबसे ऊपर वाली सरफेस पे लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं जो सबसे ऊपर वाली सरफेस पे लिखा रहता है एक दो तीन चार पांच सबसे ऊपर वाली सरफेस पे लिखा रहेगा वो हमारा क्या होगा आउटकम होगा जैसे आपने लूडो डाला तो ऊपर छ आ गया तो छह के बाद दोबारा डालते थे याद आ रहा है कुछ कि नहीं तो उसे हम क्या कहते हैं जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो परिणाम यह होता है कि संख्या उसके ऊपरी फलक पर जो होती है वो उसका रिजल्ट है इसके बाद ताश की गड्डी क्योंकि बहुत सारे ऐसे शरीफ बच्चे होंगे हैं जिनको ताश की गड्डी के बारे में नहीं लिखा हुआ है ठीक है जिनको ताश की गड्डी के बारे में नहीं पता ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ताश की गड्डी के बारे में नहीं पता तो लेकिन ताश की गड्डी पे सवाल आएंगे तो जान लीजिए ए पैक ऑफ कार्ड्स है बावन पत्ते होते हैं 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट स्पेड के 13 कार्ड होते हैं स्पेड मतलब चिड़ी क्लब के 13 कार्ड होते हैं हार्ट के 13 कार्ड होते हैं और डायमंड्स के 13 कार्ड होते हैं स्पेड मतलब हुकुम होता है क्लब मतलब होता है चिड़ी इसमें हुकुम क्लब के रूप में प्रत्येक सूट के 13 कार्ड हैं हार्ट और डायमंड्स के भी 13-13 कार्ड होते हैं ठीक है जो स्पेड और क्लब के कार्ड होते हैं वो ब्लैक कार्ड होते हैं कार्ड ऑफ स्पेड एंड किलब ब्लैक कार्ड आपने देखा होगा खुड़खुड़ा खेला होगा गांव में दिवाली के टाइम पे बहुत होता है पैसे जीतते हैं तो वही है ये स्पेड और क्लब काले होते हैं हर्ट और डायमंड्स लाल होते हैं ठीक है अब एक बात और लिखी हुई है कि देयर आर फोर आवर्स ऑफ ईच सूट दीज आर एसेस किंग्स क्यून्स एंड जैक्स यानी बेगम बादशाह भाई क्या क्या होते हैं हिंदी में आपको तो पता होगा बेगम बादशाह गुलाम इक्का तो एस मतलब इक्का मतलब बादशाह वो बादशाह नहीं है जो गाने गाता है और क्यों मतलब बेगम जल्दी से आपकी नौकरी लगे आपकी भी बेगम आए एक और क्या बताया था भाई इक्का बादशाह बेगम गुलाम गुलाम कौन सा है जैक्स ये गुलाम मैं इसको चार्ट बना के और अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं इसको चार्ट बना के और अच्छे तरीके से समझाता हूँ आवाज एकदम तो क्लियर आ रही है क्या दिक्कत है आवाज़ में बताइए मैंने कहा कि पैक फिफ्टी टू है पैक फिफ्टी टू और पैक फिफ्टी टू का मतलब क्या है रेड 26 है ब्लैक छब्बीस है यानी बावन कार्ड में टोटल क्या है बिस कार्ड काले हैं बीस कार्ड ब्लैक है ये बात क्लियर है ठीक है उसके बाद जो रेड कार्ड है वो कौन से हैं तेरह डायमंड हैं और तेरह हर्ट हैं ऐसे ब्लैक में तेरह स्पेड्स हैं तेरह क्लब्स हैं अब इस प्रत्येक में क्या है कि नौ तो नॉर्मल कार्ड है एन मतलब नॉर्मल नौ नॉर्मल कार्ड है उसके बाद चार कार्ड ये हैं ये चार कौन से हैं सब में होते हैं डायमंड में भी चार हैं वही गुलाम बेगम बादशाह गुलाम बेगम बादशाह इक्का ठीक है तो ये एन नो एच चार एन नो एच चार एन नो एच आर सब में होते ठीक है सब में एक इक्का है एक बादशाह है एक बेगम है एक गुलाम है इज इट क्लियर और नॉट तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है ठीक है बाकी आपके एक्चुअली ये क्लासेस तीन चार बार पोस्टपोन हो गई और जब तीन चार बार ऑलरेडी नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज चुका है तो वो एक क्लास के लिए बार बार नोटिफिकेशन नहीं भेजता सब बच्चों के पास नहीं भेजेगा कुछ एक के पास भेज देगा जो बार बार खोल के देखते हैं उस क्लास को तो अगर हो सकता है तो आपके दोस्त जो भी इस क्लास को पढ़ना चाहते हैं उन तक भी इस क्लास का लिंक भेज दीजिए आगे बढ़ते हैं ये मैंने फिर से समझाया कि बावन कार्ड हैं तो स्पीड में क्या है टोटल तेरह हैं कैसे एक किंग एक क्यून एक जैक एक एस और फिर बाकी के नौ कार्ड नौ कार्ड हैं दो से दस तक जो उनका नंबरिंग होता है दो से दस तक

अगर मैंने दो सिक्कों को उछाला है तो हो सकता है दोनों में एच एच आ जाए या एक में एच एक में टी आ जाए या पहले में टी दूसरे में एच आ जाए या दोनों में टी टी आ जाए यानी किसी भी एक घटना जब घटती है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है उसे हम क्या कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं मैं बहुत शिद्दत से और बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा जो भी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे ऐसा होगा नहीं कभी कि उनको ना समझ में आए सवाल ही नहीं उठता उछाला है पाँच छह चीजें आ सकती है हमने लिख दिया एक दो तीन चार पाँच, पाँच, तो पाँच स्पेस किसी को डाउट है यहाँ तक सैंपल स्पेस में बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है और एक और बात बता रहा हूँ जब अभी थोरेटिकल सवाल आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा तब देखूंगा मैं कि ये ज्ञान जो मैंने आपको दिया है जो समझाया है आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब इवेंट की बात करते हैं इवेंट क्या होता है एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट यानी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस मैं ये कह रहा हूं मैंने ये कहा टॉसिंग ए कॉन कम टेल्स इज एन इवेंट मैं दो सिक्के उछाल रहा हूं मैंने दो सिक्के उछाले मैंने क्या किया दो सिक्के उछाले अब मैं कह रहा हूं कि दोनों में से दोनों में हेड हेड आए आए दोनों में आए। आपको पता है दो सिक्के उछालने में या तो हेड आ सकता था या एच टी आ सकता था या टी एच आ सकता था या टी टी आ सकता इतनी चार चीजें आ सकती थी लेकिन मुझे दो हेड चाहिए तो इसमें से मैंने एक ले लिया एक चीज ले ली एच एच तो ये क्या है इवेंट शाप शाप लिखा हुआ है कि जो सैंपल स्पेस है जो सारी चीजें हैं, उसमें उसमें से से कोई एक से कोई एक एक फिक्स फिक्स चीज चीज का का आना, आना क्या है इवेंट आवाज कम आ रही है ठीक है जो भी कोई सर, से है, वो यहां से चला जाए रिपीटेड तो नहीं है मुझे याद आ गया वो ब्लू थी डार्क ब्लू थी ब्लैक है।, है।, है दो ही है एक ब्लैक शायद मैंने उस दिन ब्लू पहनी थी और आज ब्लैक पहनी हो ही नहीं सकता ठीक है अब पता नहीं रिपीट शर्ट का बड़ा पंगा आ गया कोई बात नहीं अब मैं ये खत्म ही करना पड़ेगा मुझे ठीक है सिंपल इवेंट पता चल गया अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या है अब जाके हम प्रोबेबिलिटी पे पहुंचे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि यूज टू मेजर द चांस फैक्टर दैट अकर्स इन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हम प्रयोग करते हैं उसमें से जो चीज़ हम चाहते हैं उसके चांस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं अगर मैं वर्टिकल भाषा में बात करूं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस फैक्टर चांस क्या है तुमने उसको प्रपोज किया है तुमने कहा है तुम मेरी हो जाओ चांस क्या है कि वो तुम्हारी होगी या नहीं तुम्हारे प्रपोजल को वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है चांस क्या है ये तो देखेंगे ध्यान से देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है अगर मैथ की भाषा में बात करें तो मैं ये कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी मैथ की भाषा में क्या है फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज एलिमेंट्री आउटकम्स ऑफ अकरेंस ऑफ ई क्या होगी देखिए मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ बस आप इतनी सी बात समझ लीजिए फिर एग्जांपल से बताऊंगा कि टोटल आउटकम्स का फेवरेबल आउटकम से क्या अनुपात है यही प्रोबेबिलिटी है जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला मैंने एक सिक्के को उछाला समझना बहुत कुछ है भी सीखने को सिक्कों को उछाला और आप ये कह रहे हैं सिक्के को उछालने के बाद कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखिए आ क्या क्या सकता है टोटल केस कितने हैं तो आप कहेंगे टोटल केस दो है या तो हेड आ सकता है या टेल लेकिन हमें हेड चाहिए इसके चांस कितने हैं एक तो एक बटा दो प्रोबेबिलिटी एक बटा दो क्या है प्रोबेबिलिटी है बात क्लियर है कि नहीं हमने क्या कहा हम ये देखते हैं कि जो हम चाहते हैं उसका चांस क्या है और टोटल केसेस कितने होंगे जो पॉसिबल हैं टोटल आउटकम्स कितने होंगे उसके रेशियो को प्रोबेबिलिटी कितनी सी बात समझ आई इतनी सी बात समझ आई किसी को डाउट यहाँ है तक किसी को सैंपल स्पेस समझ गए इवेंट समझ गए इवेंट क्या होती हैं ये समझ गए चलिए अभी और छोटी छोटी सी चीज़ें और जाननी भी हैं आपको इसको हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है जिसका आउटकम फिक्स है प्योर sure इवेंट का मतलब होता है जिसका आउटकम फिक्स है मैं बता देता हूं आपको अब जैसे आप कहेंगे कि श्योर sure इवेंट क्या है तो मैं ये कहूंगा जैसे आप ये कह रहे हो एक सिक्के को उछालने पे इवन या ऑड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ इवन या ऑड आने की प्रोबेबिलिटी। आपने कहा कि आप एक डाइस को उछाल रहे हो और एक डाइस को उछालने पे इवन या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो भैया अगर आप एक डाइस को उछालोगे तो या तो इवन आएगा या ऑड आएगा ये तो श्योर इवेंट हो गई तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक होती है ये बात समझ आई प्योर इवेंट क्या है जहाँ पे क्यों खड़े हो ठीक है तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर यह तय है कि क्या आएगा एक सिक्के को उछालूंगा तो यह तय है या तो ईवन आएगा या ऑड आएगा तो जब ऐसी घटनाएं हो तो इसको हम कहते हैं कि निश्चित घटना इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक होगी इसके बाद इंपॉसिबल इवेंट की बात करें इंपॉसिबल इवेंट की बात करें तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है नल होती है क्यों जैसे आप ये कहो कि एक डाइस को रोल करने पर डाइस रोल करने पर सात आने की प्रोबेबिलिटी क्या है डाइस रोल करने पर सात आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है कि जब हम किसी डाइस को रोल करेंगे तो कभी भी सात आ ही नहीं सकता और जब नहीं आ सकता तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीरो होगी यहाँ तक बताओ अगर कोई डाउट है तो बहुत धीरे धीरे से मैं समझा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर कोई बच्चा फिर भी ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा है तो वो बता सकता है कि जी अभी नहीं आ रहा है पता मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आप समझ नहीं रहे बात को आवाज कैसे कमा सकती है यार पूरी तो आवाज़ आ रही होगी सब बच्चों को हमें खुद आ रही है अच्छी आवाज़ मैं बटन लगा लेता हूँ ऊपर का हाँ एकदम क्लियर आ रही है आवाज पता नहीं कैसे बाकी तो तुम साइलेंट पे भी देख लेते हो जो तुम्हें देखना होता है काम की चीजें जो चीजें तुम्हें काम की देखनी होती हैं वो तुम साइलेंट पे भी देख लेते हो और यहाँ इतनी अच्छी आवाज़ में भी तुम्हें शिकायत आ रही है तो मैं कहता हूं ना कि ये सिर्फ सब नजर और नजरिए का खेल है जहां सिद्धत होती है तो मीरा आंख बंद करके भी घनश्याम देख लेती थी लेकिन हम पढ़ाई को बोझ समझते हैं हमें पढ़ना अच्छा कब लगता है पढ़ना हमें अच्छा कब लगता है हमारा तो सिर्फ एक ही दे है बस नौकरी मिल जाए अगर आज कोई हमें यह कह दे कि नौकरी आठ लाख रुपए देके मिल जाएगी तो हम आज से ही पढ़ना छोड़ देंगे और पहले आठ लाख रुपए कमाने में फोकस कर लेंगे पढ़ना हम नहीं चाहते हमारा फोकस सिर्फ नौकरी है हम इंटरेस्ट नहीं है हमारा कोई पढ़ाई में और जब तक हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा और हम सीधे फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल गोल पे ही निगाह रखेंगे तो हम कभी उस जर्नी को एंजॉय भी नहीं कर सकते और मंजिल पे भी नहीं पहुंच सकते जैसे एक लड़का एक लड़की के साथ जब रिलेशनशिप में आता है और उसका सीधा ध्यान शादी और फालतू की चीजों पर चला जाता है तो वो उस रिश्ते को भी मेंटेन नहीं कर सकता यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट दीज ऑल आर जर्नी ऑफ लाइफ गणित सीखना है नौकरी पानी ये सब एक जर्नी है एक यात्रा है और अगर आप उस यात्रा को इंजॉय नहीं करोगे तो मंजिल पर पहुंचने के बाद भी कोई खुशी मिलेगी नहीं आपको लिख लीजिए आप थोड़ा इंजॉय करते हुए पढ़िए समझ के पढ़िए कब तक शिकायतें करते रहेंगे इतने अच्छे से मैं एक एक बात बता रहा हूँ आपको हुँ, हुँ, कि प्रोबेबिलिटी क्या है श्योर इवेंट क्या है कंपाउंड इवेंट क्या है लिख लीजिए थोड़ा सा सिंपल इवेंट लिख लीजिए सिंपल इवेंट क्या है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट पूछा जा सकता है ये कुछ भी पूछा जा सकता है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट देखिए मेरा टारगेट है आज सिर्फ मैं खुद भी ठीक नहीं हूं तो मैं ये इतना बस चाहता हूं कि मैं आज सौ बच्चों के दिलो दिमाग में प्रोबेबिलिटी छाप के जाऊं कुछ भी बचे ना अगर पेपर में सवाल आए तो वो मुझे धन्यवाद दें यार आपने ये बात बताई और देखो यही पूछ ली हम तो बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाने वाले थे आपने सब कुछ बता दिया था ठीक है तो सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं जहां पे एक सिंगल सबसेट हो सिंगल सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस बहुत मुश्किल टॉपिक है सिंगल स्पेस इसका मतलब क्या है जैसे आपने कहा कि मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं एक उछाल रहा हूं, रहा रोल रोल कर करने पर पांच पांच आना, पाँच आना, ये सिंगल इवेंट सिंपल इवेंट कह दो या सिंगल इवेंट कह दो या एलिमेंट्री इवेंट कह दो क्योंकि एक अब आप देखो ना टोटल आउटकम्स कितने होंगे या सैंपल स्पेस कितना होगा एक दो तीन चार पांच, ये होगा हम क्या चाहते हैं हमारा डिजायर्ड आउटकम क्या है तो आप कहेंगे सिर्फ पांच यानी इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आना क्या कहलाता है सिंपल इवेंट ये क्या है सिंपल इवेंट है जहां पे सिर्फ सैंपल स्पेस का एक आउटकम आया जहां पे सैंपल स्पेस का सिर्फ एक आउटकम आया है इसको हम कहते हैं सिंपल और एलिमेंट्री अच्छा कंपाउंड इवेंट क्या होती है ये थोड़ी में सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि तीन नंबर में सवाल आएगा तो वो स्टेटमेंट फॉर्म में तीन चार बातें एक साथ पूछ सकता है कंपाउंड इवेंट क्या होती है कंपाउंड इवेंट लिख लीजिए ऐसे लिखिए ज्वाइंट ऑफ ज्वाइंट अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट दो या दो से ज्यादा जब किसी भी चीज का होना पाया जा रहा है तो हम उसे कहेंगे कंपाउंड इवेंट अकरेंस का मतलब होता है किसी चीज का होना उसकी लाइफ में तुम्हारी अकरेंस होगी या नहीं होगी तुम उसकी लाइफ में रहोगे या नहीं रहोगे ठीक है तो ज्वाइंट अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट क्या होगी तो क्या होगा दोस्त बहुत ध्यान से समझना है कंपाउंड इवेंट ज्वाइंट अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट जैसे मैंने कहा दो सिक्के उछालने पर दो सिक्के उछालने पर दो सिक्के उछालने पर, दो पर दोनों में हेड आने की दोनों में हेड आना या हम ये कह सकते हैं दोनों में हेड आना नहीं बोलेंगे ऐसे बोलेंगे उछालने तो पर एटलीस्ट एक हेड आना ये क्या है कंपाउंड इवेंट है इसका मतलब क्या है देखिए अब जैसे सैंपल स्पेस क्या होगा या तो दोनों में हेड है या पहले में हेड दूसरे में टेल है या पहले में टेल दूसरे में हेड है या दोनों में सैंपल स्पेस है, है हमें क्या चाहिए डिजायर आउटकम क्या चाहते हैं हम है? या तो एच एच दो हेड या एक हेड तीन है यानी इस सैंपल स्पेस में से मैंने तीन ले लिए स्पेस में से तीन लेना स्पेस में से तीन लेना ये क्या है कंपाउंड इवेंट वहां पे एक ले लेते हैं यहां तीन लेना क्या है कंपाउंड इवेंट तो ये बात समझ में आ रही है कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं सिंपल इवेंट क्या होते हैं देखिए अगर एक एक करके सारी चीजें नोट्स बनाते रहेंगे सब कुछ समझ लेंगे तो आपको खुद ही मजा आने लगेगा अब इसके अलावा और भी लिख लीजिए एग्जॉस्टिक इवेंट क्या होते हैं एग्जॉस्टिक इवेंट क्या होते हैं पूछ लेगा आपको यही सब बातें पूछ लेगा फिर आप देखते रह जाएंगे एक दूसरे का मुंह ताकेंगे एग्जॉस्टिक इवेंट मैं एग्जांपल से ज्यादा समझा रहा हूँ, जैसे एक डाइस को रोल किया एक डाइस को रोल किया अब हमसे पता है क्या-क्या कह -क्या क्या क्या रहा है डाइस को रोल करने पे क्या-क्या हमसे कह क्या रहा है वो कह रहा है कि पहली कंडीशन बोल रहा है कि नंबर जो भी आए वो लेस देन फोर हो लेस देन फोर हो ऐसे बोल दिया कि नंबर लेस देन फोर हो ठीक है फिर बोल दिया दोबारा में बट डिविजिबल बाई टू हो डिविजिबल बाई टू हो तो मतलब ऐसी बातें कहना कई सारी कंडीशन दे देना इनको हम कहते हैं एग्जॉस्टिक इवेंट अगर मैंने एक डाइस को रोल किया है आप कह रहे हो चार से छोटा हो दो से कटे ऐसी और भी कंडीशन दो, दो दो तीन तीन कंडीशन ऐड कर दी तो उसको हम क्या कहते हैं एग्जॉस्टिक इवेंट ठीक है क्लियर है भाई बात आगे बढ़े अब आप समझिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं ये बहुत जरूरी है समझ ये बहुत जरूरी है जैसे लिख के लेके आया हूँ No यदि दो दो या दो से अधिक घटनाओं में कोई समानता नहीं है अर्थात यदि वे एक साथ घटित नहीं हो सकते तो घटनाओं को परस्पर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं जैसे इन ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ बावन कार्ड अगर मैंने बावन कार्ड में से एक स्पेड निकाला है और फिर मैं कह रहा हूँ द कार्ड इज हर्ट तो हाउ इज इट पॉसिबल आप बताइए अगर मैंने कार्ड स्पेड निकाला है तो वो हार्ट कैसे हो सकता नहीं हो सकता देन प्रोबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज पी ए प्लस पी बी ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं प्रोबिलिटी को जोड़ देते हैं जैसे मैं स्पेड निकाल रहा हूँ एक कार्ड तो मुझे पता है एक कार्ड टोटल कितने हैं तेरह तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एक बटन और इसका हर्ट से कोई लेना देना नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब यही है कि कुछ भी कॉमन नहीं है अगर मैं दूसरा स्पेड निकालता तो इससे लेना देना था क्योंकि अब मेरे पास इतने ही जहां पे एक घटना का दूसरी घटना से कोई मतलब नहीं है कोई लेना देना नहीं है उस केस में हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो अगर मैंने एक स्पेड निकाला है टोटल कार्ड मेरे पास तेरह हैं एक स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक बटा तेरह क्योंकि okay, मैंने क्या बताया था प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल तो ये तो मैं स्पेड में से निकाल रहा हूँ लेकिन इन्होंने तो ये कहा है ना हमसे कि टोटल कहावन कार्ड है इन्होंने हमसे क्या कहा टोटल बावन कार्ड अगर मैं स्पेड है और स्पेड में से एक निकालता हूँ तो एक बटे तेरह लेकिन अगर मैं बावन कार्ड में से मुझे पता है तेरह स्पेड है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी तेरह बटे ऐसे ही हर्ट कितने हैं तेरह तो तेरह बटे पावर यानी क्या आंसर आ जाएगा एक बटा दो होता ये बात क्लियर है या नहीं ये मैं वापस समझाता हूँ मैं ये कह रहा हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूजिव इवेंट का मतलब होता है जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है जैसे आपने एक बार स्पीड निकाल दिया एक बार आप हर्ट निकाल रहे हो हर्ट निकालना स्पीड निकालने पे निर्भर नहीं है अलग अलग हैं दोनों टोटल स्पीड कितने हैं तेरह टोटल कार्ड कितने हैं बावन फेवरेबल तेरे ही है हमारे पास तेरह बटे बावन उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई ये स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आ गई और ये हार्ट निकालने की ठीक है अब आप सोचोगे कि फिर दूसरे इवेंट कौन से होते हैं तो मैं वो ये बताना चाहता हूँ कि अगर सवाल में यही होता कि दूसरा भी डिपेंडेंट इवेंट कौन से होंगे ये तो इंडिपेंडेंट हो गए कुछ भी कॉमन नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इसका अपोजिट क्या होगा जिसे आपको दो स्पेड ही निकाल दो स्पीड निकाल दो स्पीड। तो ऐसे केसेस में जहां कॉमन पॉइंट पॉइंट है, जहां है, कॉमन या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक घटना का दूसरी घटना पे होना निर्भर है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है पी उस केसेस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है पी ए इंटू पी बी जैसे मैंने पहला निकाला दोस्त मैंने क्या किया पहला निकाला पहला स्पीड तो पहला स्पीड निकालने की प्रोबेबिलिटी तेरह बटे बावन थोड़ा। अब आप सोचो कि अब मेरे पास कार्ड कितने बचे हैं अब जब मैं अगला निकालूंगा तो मेरे पास बारह स्पीड बचे हैं और टोटल कार्ड कितने हैं तो ये दो स्पीड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई तेरह चौका बावन चार बारह एक बटा अब अंतर समझ में आया कि कब प्रोबेबिलिटी को गुणा करेंगे कब प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे ये बात समझ में आई बाकी एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं एक बच्चा कह रहा सर हिंदी में बोलो हिंदी में ही बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं पहले इतना बताओ इतना समझ पाए कि नहीं ऐसा कोई बच्चा जिसको इतनी बात भी नहीं समझ में आई तो बताओ क्योंकि अब बातें और कठिन होने वाली हैं समझ आ रहा है यहाँ तक सब बच्चे कह रहे हैं कि उनको समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपसे पूछता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे सवालों के थ्रू ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे मैंने ये प्रोबलिटी बता दी अभी मुझे ऑड इवन ये सब भी बताना है आपको उससे पहले मैं चाहता हूँ जैसे अब किसी ने आपको इतना छोटा सा सवाल पूछ लिया हिंदी में भी लिखा हुआ है बट दिख नहीं रहा होगा प्रायिकता प्रायिकता ये कह प्रलिटीज एक्सप्रेस्ड एज प्रोबेबिलिटी को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं जैसे आप खुद बताइए किसी चीज की प्रोबेबिलिटी एक बटा चार आ गई तो ये क्या है ये रेशियो एक तरीके से प्रोपोर्शन है अनुपात है मैं इसको 25 परसेंट भी लिख सकता हूँ ठीक है लिख सकता हूँ या नहीं तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा ऑल ऑफ द एफ परसेंटेज में भी लिख सकते हैं प्रपोर्शन भी है प्रपोर्शन मतलब हिस्सा कितना हिस्सा है चार का एक हिस्सा है या रेशियो एक बटे चार में भी लिख सकते हैं परसेंटेज में भी लिख सकते हैं तो इसका जवाब क्या होगा की प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन ऑल ऑफ द में रिप्रेजेंट किया जा सकता ठीक है क्लियर है ये बात सबको कोई डाउट तो नहीं है किसी को देखिए अब ये क्या कर रहा है प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यू प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक हो सकती है तो देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कोई इवेंट श्योर होगी श्योर होगी तो टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स इक्वल हो जाएंगे तो एक हो सकती है या फिर जीरो तो प्रोबेबिलिटी जीरो से एक के बीच में हो अगर कोई घटना नहीं घट सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है और कोई घटना घटेगी घटेगी इसकी प्रोबेबिलिटी एक है जैसे मैंने बताया था कि मान लेते हैं मैं ये कहता हूं कि किसी डाइस को उछाला इवन या ऑड आने की प्रोबेबिलिटी एक है क्योंकि या तो इवन आएगा या ऑड आएगा तो प्रोबेबिलिटी जीरो से एक के बीच में हो ये बात क्लियर है सबको कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं है क्लियर टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट दो घटनाओं को स्वतंत्र कहा जाता है दो घटनाओं को स्वतंत्र कहा जाता है इंडिपेंडेंट कहा जाता है ऐसा कब होगा बता सकते हैं जब एक घटना का होना दूसरी घटना पे निर्भर ना करे तो हम कहेंगे कि घटनाएं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वन डज नॉट एफेक्ट

और आपका जीवन दोनों इंडिपेंडेंट है मैरिज ऑफ स्वाति डज नॉट एफेक्ट यू वो आपको अफेक्ट नहीं करती स्वाति की शादी होना तो क्या है इंडिपेंडेंट क्लियर है भाई ये बात सबको क्लियर है कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है मैं गारंटी से कह सकता हूं और वो भी तुम्हारी कसम खा के कह सकता हूं कि शर्ट ओल्ड नहीं है एकदम नई है अभी जस्ट टैग तोड़ के निकाले वो शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ है क्योंकि मैंने ऐसी एक शर्ट ली थी और वो शायद हो सकता है मैंने पहले पहन ली हो बट वो फिर एक भाई है हमारे उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी लग रही है। तो हमने उन्हें दे दी तो हम दूसरी ले आए तो हम ये भूल गए दूसरी पहनने से पहले कि ऐसे सेम टू सेम हम पहन भी चुके अगर आप चाहो बहुत देर से एक ही कमेंट आ रहा है तो मैं वो शर्ट मंगवा के आपको दिखा देता हूँ कि वो ये थी और ये ये है ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े क्लियर है बात आगे बढ़ते हैं ये पता ऐसी कुछ चीजें जो मुझे भी नहीं पता सिर्फ याद ही कर रखी कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं अगर ऐसा सवाल आ जाए सोचो तीन नंबर में तो जो बच्चे ने ये क्लास की होगी वो तो कर पाएगा सवाल को नहीं तो बाकी तो देखते ही रहेंगे उनको लगेगा यार स्टेटिस्टिक्स सिलेबस में है तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने स्टेटिस्टिक्स प्रोबिलिटी पे सवाल पूछ लिया तो क्या याद रखना है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी ठीक है क्लियर है बात आगे बढ़ते हैं व्हेन ए कॉन एंड ए डाइस आर थ्रोन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस इज जब एक सिक्का और एक पासा फेंका जाता है तो सभी संभावित मामलों की संख्या क्या होगी बताइए बता सकते हैं देखिए अगर मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूँ एक कॉन को उछाल रहा हूँ तो एच आएगा और टी आएगा वहीं मैं एक डाइस को उछाल रहा हूँ तो एक दो तीन चार पाँच छ आएगा तो अब टोटल हमें तो आउटकम्स बताने हैं दोनों के एक साथ तो मैं ये कह सकता हूँ एक बार H के साथ एक एक बार दो एक बार तीन एक बार चार एक बार पांच एक बार छः आउटकम तो यहाँ फिर ऐसे T के साथ एक T के साथ दो तीन चार पाँच छः छः यहाँ टोटल बार यानी जब एक डाइस और एक कौन को उछाला जाएगा एक डाइस और एक कौन को उछाला जाएगा तो टोटल संभावित आउटकम्स कितने होंगे टोटल संभावित आउटकम्स कितने होंगे किसी को डाउट है तो बताओ किसी को आउटकम है तो बताओ किसी को भी इसमें डाउट है तो बताओ जल्दी सर कहां थे इतने दिनों से प्लीज रिप्लाई थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक नहीं हो अभी भी आप देख रहे हो कि तकलीफ है पढ़ाने में बट अब वादा किया था तो निभाने आया हूं बस ठीक है दुआ की ना पूछो कि कितनी है कुदरत उठा के हाथ देखो बदलती है चलिए आगे बढ़े बिकने वाले और भी हैं जाओ जाकर खरीद लो हम लेकिन कीमत से नहीं किस्मत से नहीं। की एक अच्छी तरह से ध्यान से समझना की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से कुदाल कुदाली निकालने की प्रायक सफल पैक ऑफ का स्पीड क्यून निकाल क्या निकालनी है स्पीड क्यून स्पीड भी हो और क्यून भी हो बता दीजिए फटाफट से क्या उत्तर हो अब तो इतना तो समझ गए इतना तो सिखा दे कितने आराम आराम से कितने चुल्लू तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी सिखाने की तरफ आगे बढ़ाऊ आप बड़ी बात है बड़ी बात है अभी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं आती पता है लेकिन सिखानी पड़ेगी क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे भी सवाल पूछा जा सकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे भी सवाल पूछा जा सकता है बताऊंगा इसके बाद अर्थमेटिक और एडवांस का वेटेज कितना रहेगा ये सब बातें मत पूछिए देखो भाई अब मैं ये कह रहा हूं कि स्पेड में कितनी रानी होती थी जो स्पेड भी है और रानी भी है एक रानी होती थी भाई स्पेड में बस सब में एक एक रानी है ना टोटल चार रानी है एक हर्ट है एक क्लब है बोलो तो मैंने कहा कि स्पेड में एक रानी है और टोटल कार्ड कितने हैं बावन तो इन्होंने ताश की गड्डी से फैंटी की गड्डी से एक स्पेड रानी निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी एक बटा बावन बावन में से केवल फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है एक बटा बावन बीच का करेक्ट क्या उत्तर आ रहा था सबका क्या उत्तर आ रहा था अब ये क्या ना बच्चे मानते नहीं है ऐसे फिर कहेंगे कि यार ये या ऐसे हो गया वैसे हो गया ये लो ये लो भाई लो। ये यही शर्ट थी उस दिन ये देख लो यही शर्ट थी यही थी देख ली पूरी कहो तो पूरी खोल दो बताओ लख लो भाई मानना है नहीं है हीरो बनना है चलिए मैं इसके बाद बताना चाह रहा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती देख लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट से ए और बी का आना ए एंड बी एसोसिएटेड एसोसिएटेड इवेंट टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें ये दो इवेंट है ए और बी ठीक है तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए जब बी ऑलरेडी हो चुकी है बी हैज ऑलरेडी अकर्ड यानी मैं ये बात कर रहा हूं कि ऑकरेंस ऑफ ए एकरेंस ऑफ ए ए का होना ऑफ ए बस याद रखना ये याद करने वाली चीजें हैं व्हेन बी ऑलरेडी जब भी ऑलरेडी हो चुकी है उस केस में ए के होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको हम डिनोट कैसे करते हैं पी ए बाई इसको डिनोट कैसे करते हैं पी ए बाई बी किसी को डाउट है तो बताओ पी ए बाई बी अब इस पी ए बाई बी को लिखते कैसे हैं तो P A इंटरसेक्शन बी दोनों घटनाओं की कॉमन प्रोबेबिलिटी बटी P की ये नोट कर लेंगे सिमिलरली लिख लेना सिमिलरली लिख लेना ऐसा भी तो हो सकता है कि ए पहले घट चुकी हो तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी बी बाई ऊपर सेम पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए बटे पी ए भी लिख लेना साथ में ही ये भी लिख लेना ये अलग है बट लिख लेना कि पी ए यूनियन बी आपने उसमें भी पढ़ा होगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए देखिए ए के होने की प्रोबेबिलिटी बी के होने की प्रोबेबिलिटी दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरत पड़ेगी इसके आगे इस फॉर्मूले की भी जरूरत भी पड़ेगी तो पहले तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ लो क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे अगर सवाल आएगा तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा कि आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा और इसके अलावा नीचे ये देख लो एक एक चीज बता दूंगा मैं कुछ बचेगी नहीं इसके अलावा आपको ना कोई किताब देखने की जरूरत है ना कुछ और ठीक हो जाऊंगा अभी थोड़ा बहुत दिक्कतें चल रही हैं अभी बट ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए वक्त बदलते हैं सबके बदलते हैं हमने तो पहले भी इतनी बार जीवन में वक्त को बदला है तो फिर अब सवाल नहीं उठता कि अब वक्त नहीं बदला जाए ठीक है चलिए जैसे अभी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही सवाल है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी गिवन बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोले भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है एनी बॉडी एल्स जी जी नूरी जी बिल्कुल है देखिए अब ये पी गिवन बाई ए यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है पी बी बाई ए पूछ तो मैंने अभी बताया कि पी बी बाई ए क्या होगा ए इंटरसेक्शन बटे कौन सा उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा भाई ने ए कितनी जगह लिखा है ए बी ए ए क्रैक है ना बिल्कुल चलिए आगे बढ़ता हूँ अब जैसे ये देखो अभी मैंने समझाई आपको प्रोबेबिलिटी निकालना और कितने प्यार से समझाई मैंने आप तो सब जानते हो साहब ने समझाई जल्दी से उत्तर बता दीजिए अभी बताया मैंने जस्ट एक मिनट पहले अभी जस्ट एक मिनट पहले बताया देखिए हमारे कई सारे चैनल हैं हमारा एक चैनल ऑल एग्जाम अभिनय मैश है जिसपे एम टी एस दिल्ली पुलिस एस एस सी जी डी इन सब के भी फ्री बैचेज चल रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है इसके अलावा हमारा एस एस सी अभिनय मैश चैनल है जिसके ऊपर अब मैं रोज़ वीडियो डालने वाला हूँ दस दस पंद्रह पंद्रह मिनट के वीडियो लाइक अपोलोनियस थॉरम है या कोई भी एक कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ लिया सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे छोटे छोटे वीडियो अच्छे अच्छे सवालों पे जो भी कुछ मुश्किल सवाल पेपर में आ रहे हैं उन पे मैं एस एस सी अभिनय मेस पे दस दस पंद्रह पंद्रह मिनट के वीडियो डालने वाला हूँ जो आपके पेपर के लिए मेंस वाले बच्चे हैं या प्री की भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो ठीक है चलिए देखिए अभी मैंने आपको बताया कि पी एक्स यूनियन वाई क्या होगा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्ट यही पढ़ाया था अभी मैंने तो कैसे निकलेगा जीरो पॉइंट पंद्रह प्लस जीरो पॉइंट पच्चीस माइनस जीरो पॉइंट तो ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट यही इस सवाल का जीरो पॉइंट तीस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस को ठीक है क्लियर है बात आगे बढ़ते हैं देखिए अब ये ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और ये भी कह रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है ये क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बता सकते हैं क्या उत्तर होगा दोस्त इंडिपेंडेंट इवेंट अभी जब हमारी बात हुई थी कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तो मल्टीप्लाई पी ए इंटू पी क्या आ जाएगा जी जीरो पॉइंट पंद्रह दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इंडिपेंडेंट मतलब कि स्वतंत्र तो घटना है अच्छा मैंने अभी एक चीज़ आपको सिखाई एक चीज़ अभी आपको सिखाई है क्या आप ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं मुझे इस सवाल में क्या आप मुझे इस सवाल में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं पी बी बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फटाफट से बता दीजिए मज़ा आ जाएगा मैं समझूंगा कि आपको आ गया आप ना वो मेल पे मेल आईडी मेरी और फोन नंबर ही पिन कर दीजिए कमेंट में जो ये बच्चे जिस तरीके के मैसेज कर रहे हैं हेल्प के लिए तो इसको हम अपने आप पहुँचा देंगे देखो अब जैसे पी बी बाई ए है तो मैं जानता हूँ कि पी बी बाई ए क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बटे पी ए क्योंकि नीचे ए आ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब ये जीरो पॉइंट दो दिया हुआ है और पी ए कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट चार दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा जी एक बटा दो सोचिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे भी मैंने तीन चार सवाल पूछ के आपको रटा दिया ये यही फ़ायदा होता है क्लास का कि तीन चार सवाल पूछ के मैंने आपको रटा दिया आगे बढ़े आगे बढ़े इजाज़त है ठीक लग रहा है आपको आगे बढ़ते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या या सम संख्या आने की घटना है क्या जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या, गेटिंग एन ऑड नंबर और इवन नंबर बता सकते हैं क्या उत्तर होगा तो इतनी छोटी छोटी संख्याएं नहीं बता पाएंगे बातें नहीं बता पाएंगे तो कैसे काम चलेगा तो? अभी मैंने कहा कि दोनों में से कोई एक ही आ सकता है या तो इवन आ सकता है या और आ सकता है तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती या तो इवन आएगा या और आएगा दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूजिव इवेंट में हमने यही पढ़ा कि टू इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली टू इवेंट्स मैं लिख देता हूं टू इवेंट्स कैन नॉट अकर कैन नॉट अकर साइमल्टियसली यानी दो घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती इसको हम क्या कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं तो इसमें यही दिया हुआ था कि जब आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो ऑड या इवन नंबर या तो ऑड आएगा या इवन दोनों में से कोई एक आएगा दोनों नहीं आ सकते ये बात क्लियर है सबको ये बात सबको क्लियर है

जीरो रहेगी एक की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी जीरो रहेगी बोलो बात क्लियर है कि नहीं इतने प्यार से मैं बता रहा हूं बट पता नहीं आप समझ नहीं पा रहे एक छोटा सा सवाल और देखेंगे एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस कोई घटना घट ही नहीं सकती इम्पॉसिबल है अगर कोई घटना घट नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीरो हो जाएगी ऐसे छोटे छोटे सवाल से मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है इसके आगे फिर मैं अभी और बड़े बड़े सवाल या और अच्छी -ची अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा उससे पहले और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ये छोटे सवाल अगर मैं नहीं बताता तो आपको प्रोबेबिलिटी के सही मायने नहीं पता चलते कि प्रोबेबिलिटी है क्या अभी जैसे हमने बताया था कि अगर कोई दो घटनाएँ इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी जब हम एक साथ निकालते हैं तो क्या करते हैं ऐड कर देते हैं ऐड कर, कर देते हैं पी ए प्लस पी म्यूचुअली एक्सक्लूजिव में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट में क्या करते हैं जोड़ देते हैं बस दो तो ही तो चीज़ें या तो जोड़ना है या, या मल्टीप्लाई करना है अब इसके अलावा पता है क्या है कुछ एक छोटी सी चीज़ें और सीखने की जरूरत है वो तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सीखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सीखेंगे मैं सिखाना चाहता हूँ तब हम प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से कर पाएंगे अभी तो मैं बेस बना रहा था अब हम आगे की तरफ चलेंगे और अच्छे सवाल करेंगे पहले अभी आप बेस बना लीजिए ठीक है चलो तो कॉम्बिनेशन में क्या सीखना है कि एन चीजों में से एन चीजों में से आर चीजें एन चीजों में से आर चीजें सेलेक्ट करने के तरीके एन चीजों में से आर चीजें सेलेक्ट करने के तरीके एन चीजों में से आर चीजें सेलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं एन सी आर सी का मतलब है कॉम्बिनेशन एन में से आर चीजों के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एन में से आर चीजों के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एन सी आर को सॉल्व कैसे करते हैं एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टो इस पर एक छोटा सा सवाल करेंगे और फिर इसका यूज सवालों में करेंगे फिर इसका यूज सवालों में करेंगे एन चीजों में आर चीजें सेलेक्ट करने के तरीके फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल बात खत्म विवेक हो जाएगा भाई हो जाएगा मैं कुछ प्लान कर रहा हूं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हो जाएगा सिलेबस चलिए छोटी सी बात समझना छोटी सी बात समझना जैसे इस सवाल का उत्तर कोई आपसे पूछ ले कि फाइव सी टू क्या है हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के नाम पे एस एस सी सिर्फ इतना ही पूछ के छोड़ दे कि फाइव सी टू बताओ क्या होगा तो फाइव सी टू का मतलब क्या होगा फाइव फैक्टोरियल फैक्टोरियल ब्रैकेट में फाइव माइनस टू फैक्टोरियल तो सॉल्ट कैसे करते हैं देखो ऊपर वाले को फाइव लिखेंगे फिर फोर और ये थ्री टू वन तक चलेगा तो मैंने पूरा ना लिखते हुए उसको थ्री फैक्टोरियल लिख क्यों लिखा है दो फैक्टोरियल दो गुणा एक और ये तीन फैक्टोरियल है इसीलिए लिखा था ताकि ये इससे कट जाए दो से भाग लगाऊँगा यानी कल को कोई मुझे ये कहे कि पाँच में से दो चीज़ें सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे दस होंगे पाँच में से दो चीज़ें सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे दस होंगे एक बच्ची कह रही सर आप बहुत फिट हो गए हो अरे नहीं स्ट्रेस के तले कमजोर हो गया हूँ फिट नहीं हुआ हूँ स्ट्रेस के तले कमज़ोर हो गया हूँ खाता पीता थोड़ा कम हूँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो बस लोगों को लग रहा है फिट हो गया हूँ आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ये सवाल समझ गए आप चले छोटे छोटे सवाल करेंगे बहुत छोटे छोटे सवाल करेंगे देखो ये कह रहा है बावन पत्तों की एक गड्डी में से तीन पत्ते निकाले जाते हैं थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ बावन द चांस दैट ऑल विल बी क्वीन सारी होंगे सारी रानियाँ होंगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कौन बताएगा देखें भाई अब ये सवाल पता है बड़ा महत्वपूर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है तो कैसे करेंगे इस सवाल को देखिए बावन पत्तों की एक गड्डी में से तीन पत्ते निकाले जाते हैं सभी के रानी होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहे सभी के रानी होने अब देखिए एक तरीका तो ये था कि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कि भाई बावन में से एक दो तरीके से समझा रहा हूँ चीजों को बावन में से कोई तीन पत्ते निकालने के चांसेस कितने हैं बावन सी थ्री यही होगा भाई बावन सी थ्री मैंने कहा कि अगर रानी मेरे पास चार है और चार में से मैं तीन रानी निकालना चाहता हूं तो फोर सीट सिंपल है बट अब अगर ऑप्शन इस तरीके के रहे तब तो तकलीफ नहीं है भाई चार में से तीन रानी और बावन में से कोई भी तीन पत्ते तो टोटल चांसेस बावन में से तीन निकालने के कितने इतने तो टोटल रानी निकालने के कितने और प्रोबेबिलिटी आ गई लेकिन इसको सॉल्व करना मुश्किल होता है अब जैसे आप सॉल्व करो भी इसको तो क्या लिखोगे चार फैक्टोरियल बटे तीन फैक्टोरियल और एक फैक्टोरियल इसको करोगे तो बावन फैक्टोरियल बटे 3 52 तीन फैक्टोरियल और बावन माइनस तीन उनचास ये कितना होगा चार गुणा तीन तो ये तो ऊपर केवल चार बचेगा बावन इक्यावन पचास उनचास कट जाएगा नीचे तीन है तो ऊपर छ आ जाएगा छः का मतलब चार से मैंने इसको काटा तो तेरह बार कटेगा तीन से काटा तो सत्रह बार कटेगा और यहाँ दो बचेगा दो से काटा तो पच्चीस बार कटेगा यानी ये कितना आ जाएगा एक बटे तेरह सत्रह लेकिन मेरा तरीका क्या कहता है मैं अगर इस सवाल को अपने तरीके से करूं तो मेरा तरीका क्या कहता है वो मैं बताता हूं पहले आपने ये देख लिया मैं ये तरीका बहुत रेयर यूज करता हूं ये वाला तरीका मैं बहुत रेयर यूज करता हूं बट मैंने फिर भी आपको समझा दिया कि आपको आना सब कुछ चाहिए ठीक है भाई अब देखो मेरा तरीका क्या कहता है मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने पहली रानी निकाली तो उसके पहली रानी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो आप कहेंगे बावन, बावन, है, बावन कार्ड हैं और उसमें चार रानी है तो चार बटे बावन इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई पहली पहली रानी हो इस बात की प्रोबेबिलिटी चार बटे बावन ठीक है मनीषा मैं आपका कमेंट अभी फोटो खींच रहा हूं और आपको अलग से कॉल करा रहा हूं और आपसे इश्यू पे बात होगी कि इशू क्या है बेसिकली ठीक है चार बटे बावन ठीक है अब इसके बाद क्या होगा चार बटे बावन के बाद क्या होगा कि टोटल कार्ड कितने हैं अब बचे कितनी रानी तीन बावन कार्ड कितने बचे हैं अभी इक्यावन तो तीन बटे इक्यावन यानी अगली भी रानी हो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है तीन बटे इक्यावन अगली भी रानी होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है तीन बटे इक्यावन ठीक है और टोटल कार्ड पचास है। अब कार्ड पचास रह गए और एक रानी का दूसरी रानी पे निर्भर है निर्भर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा डिपेंडेंट है एक साथ नहीं घट सकता ना भाई डिपेंड कर रही है घटना डिपेंड करे तो मल्टीप्लाई कर दिया सबको तो तीन से कितनी बार कट गया सत्रह बार तो ये कट गया चार से ये तेरह बार कट गया और दो से ये पच्चीस बार कट गया प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई एक बटे तेरह गुणा सत्रह पच्चीस क्या प्रोबेबिलिटी ये नहीं आ रही थी यही आ रही थी प्रोबेबिलिटी यही आ रही थी बताओ भाई क्लियर है कोई दिक्कत है तो बताओ कोई भी दिक्कत है तो बताओ ये सवाल क्लियर हो गया होगा हम और सवाल करेंगे अब थोड़े थोड़े मुश्किल सवाल आएंगे अच्छे सवाल आएंगे तो आपको फोकस करना है सवालों पे मजा तभी आएगा अब मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा अब मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा मुझे पता है कि ऑप्शन दूंगा तो आप तुक्का मारेंगे दो सवाल हैं एक ही पेज पे क्योंकि तीन नंबर में सवाल आएगा तो हो सकता है ऐसे भी पूछ ले दो पूछ ले एक ही सवाल रेवेंट आपके डाउट किसमें है रेवेंट इस प्रोबेबिलिटी में अभी सब क्लियर हो जाएंगे देखिए अगर आपको नहीं भी समझ आया है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर आपको अभी तक भी नहीं समझ आया तो अब आप एक एक करके सब समझ लो कि देखो एक बार में दो पासे फेंके निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए द नंबर सोन आर इक्वल दिखाएगा नंबर इक्वल है दोनों द नंबर सोन आर इक्वल अब आप मुझे एक बात बताओ अगर दो पास फेंके जाएंगे दो पास फेंके जाएंगे तो कितनी संभावनाएं टोटल बनेंगी मैं पहले वाला कर रहा हूँ फर्स्ट फर्स्ट कर रहा हूँ आप कहेंगे जी छह गुना छह छत्तीस टोटल आउटकम कितने होंगे टोटल अगर मैं टोटल आउटकम की बात करूं अब मैं लिखूंगा थोड़ी वो छत्तीस अब तो आपको खुद समझना है छह गुणा छत्तीस बता देता हूं कैसे छत्तीस देखिए पहले वाले में एक आया तो दूसरे में एक भी आ सकता है दो भी आ सकता है तीन भी आ सकता है चार भी आ सकता है पांच भी आ सकता है छह एक से छह बन रहे फिर इसमें अगर दो आया तो फिर इसमें भी एक दो तीन चार पांच छ कुछ भी आ सकता है तो ऐसे सबके छह 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 मिला के छत्तीस टोटल आउटकम होंगे ठीक है अब फेवरेबल आउटकम कितने होंगे जो हम चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि भाई दिखाए गए नंबर बराबर हो ऐसे कितने होंगे आप कहेंगे ऐसे छह होंगे कैसे या तो एक एक आ जाए या दो दो आ जाए या तीन तीन आ जाए टीम चाहिए या चार चार आ जाए या पांच पांच आ जाए या यानी एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छ में से कुछ भी आ जाए ये क्या है फेवरेबल आउटकम है ये क्या है फेवरेबल आउटकम है तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब आपको पता है कि टोटल छ है फेवरेबल और टोटल आउटकम छत्तीस तो प्रोबेबिलिटी एक बटा अच्छी और कई बच्चों की आ रही थी कई बच्चों का ये उत्तर आ रहा था कई बच्चों का ये उत्तर आ रहा था ये चीज बहुत अच्छी लगती है आगे बढ़े क्या लिख रहा है बच्चा एक थैंक यू थैंक यू कृष्णा पाठक जी थैंक यू देखिए ये बात देखिए आप कह रहा है द डिफरेंस ऑफ नंबर सोन इज वन यानी अगर दोनों नंबर का डिफरेंस एक है तब क्या होगी प्रोबेबिलिटी तो इसको अलग से निकालना पड़ेगा सेकंड वाले को यहाँ पे करते हैं तो उनका अंतर एक है डिफरेंस एक है देखिए डिफरेंस एक में तो कई सारी चीजें हैं कि एक दो हो जाए या दो तीन हो जाए चार पाँच हो जाए पाँच छ या फिर पहले में दो दूसरे में एक आ जाए पहले में तीन दूसरे में दो क्योंकि डिफरेंस बोला है पाँच और चार क्लियर है कितना आ गया भाई एक दो तीन चार पाँच सात आठ आ गया टोटल आठ ही आ रहा है ना कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं किया टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं डिफरेंस एक।, एक एक दो दो एक दो तीन तीन दो तीन चार चार तीन चार पाँच पाँच चार पाँच छः दो तो तीन अच्छा तीन चार रह गया इसमें तीन चार रह गया कोई बात नहीं चार तीन तो टोटल तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई आप कहेंगे दस और टोटल आउटकम्स बत्तीस तो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है पाँच बटे और बहुत सारे बच्चों का पाँच बटे अठारह आ रहा था तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि कुछ बच्चे बाकी में इस क्लास में से दस से पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी है आपकी इच्छा है मत पढ़िए, बट मेहनत करनी पड़ेगी दिमाग लगाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी दिमाग लगाना पड़ेगा शिद्दत लगानी पड़ेगी मांसु डंडे कार का मैसेज आ गया है हमें बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु का भगवान इस तरीके की हरकतें करता रहे आगे बढ़े अगला सवाल देखें यहां तक सबको क्लियर है देखिए प्रोबेबिलिटी का सवाल कहीं भी पूछा जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ कहीं भी कैसे भी आगे बढ़ते हैं दो पासों को एक ही उछाल में दो पासों पर संख्याओं के योग के रूप में सात आने की प्रायिकता ज्ञात की सात आने की अच्छा ये तो ऑर्ट्स है ऑर्ट्स अभी आपने सीखा नहीं है ऑर्ट्स अभी मैं सिखाऊंगा पहले सवाल करते हैं यह सवाल देखो एक थैली में छह सफेद पांच काली और चार लाल गेंदे हैं एक ड्रॉ में या तो सफेद या काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए ए बैग कंटेन सिक्स फाइव फाइव ब्लैक एंड फोर रेड बॉल्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इधर ए व्हाइट और ए ब्लैक बॉल इन ए सिंगल ड्रॉ जब आपने एक सिंगल ड्रॉ खेला है उस केस में आपको बताना ए बैग कंटेन सिक्स व्हाइट फाइव ब्लैक एंड फोर रेड बॉल्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर ए व्हाइट और ब्लैक बॉल बताइए भाई जल्दी बताइए देखें भाई एक थैले में छह सफेद और पांच काली और चार लाल गेंदे हैं एक ड्रॉ में या तो सफेद या काली गेंद प्राप्त करने की देखो एक आएगी कोई दोनों में से कोई एक आएगी ये दोनों चीजें साथ तो हो नहीं सकती ठीक है तो मैं ये कह रहा हूं बट इंडिपेंडेंट है कि कोई सी भी एक आए तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे तो मैंने कहा या तो सफेद आने की बता दो या लिखने का मतलब ही जैसे या लिख जाए ना तो समझ लो या लिखने का मतलब ऐड कर देंगे सीधे सीधे कोई डाउट है तो बता दो भाई किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कह दो अपनी मर्जी से बता दो ठीक है अब मैंने कहा कि भाई सफेद गेंद आने की प्रोबेबिलिटी क्या है टोटल गेंदे हैं छह है चार दस पांच पंद्रह पंद्रह में से छह हमारे फेवर में या तो छह बटे पंद्रह होगी प्रोबेबिलिटी या फिर इन्होंने कहा है काली गेंद काली पाँच पाँच बटे पंद्रह तो ओवरऑल कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ग्यारह दोनों ही में से कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही काली गेंद का आने से सफेद गेंद के आने का कोई लेना देना नहीं है दोनों में से कोई एक घटना घटेगी या तो सफेद आएगी या काली सफेद आने की प्रोबेबिलिटी छह बटे पंद्रह काली आने की पांच बटे पंद्रह ग्यारह बटे पंद्रह उत्तर कोई डाउट है तो बताइए यहाँ है तक कुछ भी डाउट है नहीं समझ आया है कुछ भी समझना चाहते हैं चलिए अब थोड़े और अच्छे से सवाल करते हैं ये सवाल देखिए ऑप्शन इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि फिर बच्चे सिर्फ तुक्का तुक्का फेंकते हैं तो हम नहीं चाहते कि तुक्का तुक्का ये कह रहा है कि प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांकों में से एक अंक का चयन किया जाता है एक अंक का चयन किया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीन या चार से विभाज्य वन डिजिट इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ट्वेंटी पॉजिटिव डिविजिबल बाय तीन और चार कौन बताएगा तीन और चार वाला कौन बताए? देखें प्रथम ट्वेंटी धनात्मक पूर्णांकों में से एक अंक का चयन किया गया तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर संख्या तीन से कट रही है मैंने पहले ये निकाल लिया तीन से कटने वाली प्रोबेबिलिटी निकाल तो तीन से कटने वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी कितनी संख्याएं जो तीन से कटेंगी तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह एक दो तीन चार पाँच छह बटे बीस आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी छह बटे बीस आ गई बटे बीस इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई मैंने कहा चार से कटने वाली कितनी होंगी तो पी और चार चार से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी चार आठ चार आठ बारह सोलह एक दो तीन चार पाँच पांच बटे बीस पाँच बटे बीस लेकिन इसमें लफड़ा क्या हो गया कि एक संख्या कॉमन भी है एक संख्या कॉमन भी है जो दोनों से कट रही है तीन इंटरसेक्शन फोर एक संख्या कॉमन भी है जो दोनों से कट रही है वो है बारह एक बटे बीस।, बीस उसकी प्रोबेबिलिटी एक बटे बीस उसकी प्रोबेबिलिटी है हमें क्या निकालना था दोस्त हमें तीन से या चार से या तो तीन से या चार से तो जो एक कॉमन आ गई थी आपको पता ही है मैंने अभी फॉर्मूला बताया भी था पी थ्री पी फोर फॉर्मूला समझ लीजिए कंसेप्ट लगा लीजिए जैसे आप चाहते हैं क्योंकि आपने तीन से कटने वाली प्रोबेबिलिटी निकाली आपने चार से कटने वाली प्रोबेबिलिटी निकाली आप कैसे भूल गए कि एक संख्या डबल बारह दोनों में आ गई वो प्रोबेबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी है और पाँच गलत तो नहीं हो गया कुछ छः बटे पाँच ग्यारह माइनस दस एक बटा दो आ रहा है हमारा उत्तर तो बच्चों का गलत आ रहा है दस बटे बीस बराबर इज द करेक्ट एक बटा तो आपका बहुत आभार है प्लीज इसके बाद सांख्यिकी पढ़ा दीजिएगा ठीक है राजेंद्र मैं बहुत प्यार पढ़ा हूं, से पढ़ा रहा हूँ इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज समझा रहा हूँ सीने में उतार दिया तुम्हारी एक एक चीज लेकिन तुम क्यों पढ़ोगे मैं तो पढ़ना ही नहीं है तो, तो सिर्फ टाइम पास करना यहाँ हो गए कोर्स खरीदना है कोर्स खरीद लोगे क्लासेस नहीं करनी है कुल मिला के ये है कि पढ़ने वाले बच्चे इतने बड़े यूट्यूब चैनल पे गिनती के हजार हैं बाकी कोई मतलब नहीं है चलो मैं मान लेता हूं कि बाकी बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं बीस हजार बच्चे चलो उनमें लेकिन उन बीस हजार में भी मैं आपको बता दूं दो या तीन हजार सीरियस है पहले सिर्फ लड़के अनाप शनाफ कमेंट करते थे बट अब लड़कियां भी कर रही हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो लड़के अनाप शनाप कमेंट करते थे लोगों ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया था तो अब उन्होंने अपनी आईडिया लड़कियों के नाम से बना ली लिया तो मैं ये श्योर नहीं हूं कि लड़कियां करती हैं ये वो लड़के हैं जो यहां पे अनाप शनाप कमेंट करके लड़की की आईडी बना के अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं अरे बिकी यार बस मैं तो पढ़ती हूं बस मेरे तो मॉक में इतना स्कोर बन रहे हाई फाई बातें हो रही हैं हेलो हाय 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 अभिषेक एक महिला आ रही है छह सात लड़कों को तो हाय लिख रही है बल्क में पहले हम एक क्लास में भी पढ़ते थे हमने इलेवंथ कर लिया ट्वेल्थ कर लिया ट्यूशन पढ़ा कभी ट्यूशन में भी आठ महीने में एक लड़की ने कभी हाई नहीं किया कि हाई अभिनय मतलब ही नहीं बनता अगर उसने गलती से हाई कर दिया होता तो हम उसे अपना समझ चुके होते शादी की प्लानिंग बच्चों के नाम भी सोच लेते वो दौर था आज तो हाय मिलना जो नॉर्मल हो गया सब स्टैंडर्ड बढ़ गया है तहरी बाबू हैं कुछ नहीं होगा मैं बता रहा हूं अभी दो तीन साल शहर में रहने के लिए मिली हैं माँ बाप से ठीक ठाक पैसा मिल रहा है सिलेक्शन ले लीजिए ये उम्र गुजर गई तो कोई नहीं पूछेगा और गांव में जाके अब स्थिति ये है कि आप खेती भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप मैगी सीख गए आप मेट्रो सीख गए आप हेलो एक्सक्यूज मी ऑबियसली सीरियसली सीख गए अब गांव में जाके खेती भी आपसे नहीं होगी गांव चले भी गए तो कुत्तों को ही प्यार कर पाएंगे आपको कोई करेगा भी नहीं लिख लीजिए तो इसीलिए बता रहे हैं अभी वक्त मिला हुआ है पढ़ लीजिए जिंदगी फिर कब कहाँ कैसे पलट जाती है किसी को पता नहीं चलता मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ दिल्ली में तीन साल मिले तैयारी के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की फिर पिताजी गुजर गए गाँव जाना पड़ा और आज गाँव में खेती करके गुजारा कर रहे हैं सारे के सारे सपने अधूरे रह गए अब वहीं घर पे ही गांव में मेज पे एक झंडा रख के अपने आप को आइए समझते हैं मेहनत कर लीजिए कुछ नहीं रखा इन बातों में कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया है पहले लड़के जनरली ये बातें बोल देते थे टीचर को कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया ठीक है हम डांट देते थे अब महिलाएं इस तरीके की बातें बोलती हैं सर मेरा ब्रेकअप हो गया बड़ी परेशान क्या करेंगे सर बताओ तबेला हैं। तो को, ही बुला लेते हैं को लेकिन ध्यान रखो तबेले में रखूंगा तो घास फूस और भूसा सानी ये सब मिलेगा खाने को रह पाओगे क्या क्यों नहीं करते हो मेहनत कब तक ऐसे ही टहलते रहोगे तुम्हारे माँ बाप के भी सपने हैं तुम्हारे भाई बहनों के भी सपने हैं जो तुम पे टिके हुए हैं सोचो तो पिताजी ने कैसे अपनी इच्छाओं को मार के तुम्हें तुम्हारे हर शौक को पूरा करने की कोशिश की है लेकिन फिर भी नहीं कर पाए बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं दे पाए नहीं था उनका बजट क्या तुम भी ऐसा बनना चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे देखते रहे खिलौने की डिमांड करते रहे और तुम ना दे सको ऐसा बनना चाहते हो कम से कम एक सरकारी नौकरी ले लो उसके बाद ठीक है जीवन में जो भी करना है बड़ा करना है छोटा करना है अच्छा करना है करना आराम से इसने मना किया बट अभी जिन हालातों में हो वहां एक सरकारी नौकरी लेना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी जरूरत भी है और जिस तरीके से इस साल और अगले साल वैकेंसी आने वाली है फिर बाद में ये वैकेंसी आएंगी भी नहीं आएंगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है आप भी समझते हो चुनाव है इसी को किस्मत कहते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में किस्मत आपको बताई थी वो यही किस्मत है पता है क्या कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम उसे ग्रैप कर लें उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर लें पहचान लें और फिर उस पर काम करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाए यही किस्मत है जो लोग इसी को किस्मत कहेंगे कि आपको भी एक एसएससी में नौकरी लेने की अच्छी अवसर मिली हुई है उसका फायदा लें नहीं ले पाएंगे तो फिर किस्मत को गाते रहेंगे हमारी तो किस्मत खराब थी प्लीज मेहनत करिए मैं यही कहूंगा रिक्वेस्ट भी करता हूँ आपसे इतने प्यार से भी कहता हूँ कि भाई पढ़िए देखिए द प्रोबलिटी देट एटलीस्ट वन ऑफ द ए एंड बी अकर्स इज साइमल्टेनियसली िटी जीरो पॉइंट टू तो पी ए बार प्लस पी बी बार पूछ रहा है क्या होगा द प्रोबिलिटी दट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी आकर इच पॉइंट सेवन एटलीस्ट वन अकर हो रही है पॉइंट सेवन है साइमल्टेनियू है, है तो देखिए पहले तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है मित्र P A बार यानी P प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना A के घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी तो वन माइनस एक में से घटा देते हैं जैसे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी एक बटा तीन है किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी एक बटा तीन है तो ना होने की क्या होगी दो बटा तीन हम क्या करेंगे एक में से घटा दे क्या करेंगे एक में से घटा दे ठीक है फिर मैंने लिखा कि P और बी के घटित होने की P. PB, ठीक है अब देखिए अभी इन्होंने क्या दिया हुआ है सवाल में यह समझना बहुत जरूरी है सीखना बहुत जरूरी है सवाल में क्या दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है कि ए और बी में से कम से कम एक घटना के एटलीस्ट का मतलब याद है ना जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो बताया था ए यूनियन बी को एटलीस्ट कहते हैं कोई एक तो कितना दे रखा है दोनों के एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ए इंटरसेक्शन बी कितनी जीरो पॉइंट टू ए इंटरसेक्शन बी कितनी जीरो पॉइंट टू बोलो है या नहीं बिल्कुल है, है या नही? देखो अब मैं क्या कह रहा हूं अब हमें क्या निकालना है हमें तो ये फॉर्मूला पता है कि जी पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमसे सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि पी ए पे बार प्लस पी बी पे बार बराबर आ रहा है जोड़ दिया मैंने दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यहाँ से निकाल लूंगा मैं कितना आ जाएगा ये जीरो पॉइंट सात है ये पी ए प्लस पी बी ये जीरो पॉइंट दो है तो ये कितना आ जाएगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस आज सोचो मैंने फॉर्मूला भी प्रोबेबिलिटी में पढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने तो प्रोबेबिलिटी दी है ना वो फॉर्मूले पे भी सवाल पूछ सकते हैं दो माइनस जीरो पॉइंट नौ कितना आ जाएगा वन पॉइंट वन आज मैंने आपकी ये प्रोबेबिलिटी की टेंशन ऑलमोस्ट खत्म कर दी देखिए ये दुनिया बड़ी मतलब है भाई ये दुनिया बड़ी मतलबी है भाई कदम कदम पे तुझे रोकेगी ये दुनिया बड़ी मतलबी है कदम कदम पे तुझे टोकेगी खुद से कुछ होका नहीं और तुझे करने से रोकेगी फिर से बताऊंगा ये दुनिया बड़ी मतलब है? कदम कदम पे तुझे टोकेगी खुद से कुछ होगा नहीं और तुझे भी करने से रोकेगी अब देख लो क्या करना चलो बड़ा अच्छी बात थी अगले सवाल की तरफ चलेंगे दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं कुल सात अंक प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं कुल सात अंक प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ जो खानदानी है रईस हैं वो पेपर खरीद लेते हैं तुम्हारा किताबें खरीदना बता रहा है कि तुम बेरोजगार नए नए जो खानदानी रईस हैं वो पेपर खरीद लेते हैं तुम्हारा किताबें खरीदना बता रहा है कि तुम बेरोजगार नए नए हो चलिए बड़ा प्यारा सवाल था ये कह रहा है कि टू डाइस थ्रोन प्रोबेबिलिटी ऑफ़ टोटल स्कोर ऑफ सेवन एच दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं कुल सात अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है कुल सात अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है <laughs> टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबिलिटी ऑप्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ सेवन कितनों में आ सकता है देखिए एक पाँच आ एक सेवन आ जाएगा एक छवन या छ एक दो पांच पांच दो तीन चार चार तीन टोटल छ फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स छत्तीस हैं तो प्रॉबलिटी क्या होगी सात आने की एक बटा क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक क्या किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है सर जी आप भी मजे ले रहे हैं मेरे नहीं किसी के मजे नहीं ले रहे देखिए रुकावटें आएंगी सफलता के रास्तों में ये कौन नहीं जानता लेकिन जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता लगे रहता है चलिए सवाल सबको समझ आ गया एकदम क्लियर है भाई वो जो क्लिप काटी है ना आपने उसका लिंक डालो बार बार यहाँ पे कई लड़के वो क्लिप देखेंगे जो तो पूरा है ना आप क्लिप डालो बस फिंग मत करना बस ऐसी क्लिप डालो बहुत हीरो बन रहे लेट सेट आते हैं क्लास में ये सवाल देखिए गांठे तोड़ दूंगा आपकी सवाल तो आपको करने नहीं इधर उधर की बातें करवा लो बहुत पीटूंगा फोर बॉल्स आर ड्रॉन रैंडम ये सबसे अब तक का मुश्किल सवाल है अच्छा सवाल है देखिए मैं पहले भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा चुका हूँ अगर कुछ बच्चों को ना पता हो तो अभी बता देता हूँ पहले भी मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा चुका हूं तो आप खुद देख सकते हैं। थ्री ब्लैक बॉल द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ आर वाइट उनमें से ठीक दो वाइट हैं ये बताना है सर, मैंने टीचर तो बहुत देखे हैं अपने जीवन में बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर और अद्भुत लिख रहा है लड़का कितनी मेहनत लगती है यार ये सब पढ़ाने में आसान नहीं होती चीजें आपको तो बस हलवा लगता है कि सब हो जाएगा नॉर्मली हो जाएगा ऐसे होता नहीं कुछ नॉर्मल ठीक है मैं इस सवाल में थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन लगा के दिखा रहा हूं मैं ये कह रहा हूँ उनमें से ठीक दो के सफेद होने की प्रायिकता की ठीक दो के सफेद होने की द प्रोबलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ आर वाइट देखिए हमें चार बॉल निकालनी है हमें चार बॉल निकालनी है तो मैंने कहा कि कोई भी दो व्हाइट हैं पहले पांच में से उनके व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी दो अब बॉल कितनी बच गई जो दूसरी है वाइट नहीं है सात तो उनमें से कोई दो निकालनी है एग्जैक्ट तय देखिए पांच में से दो निकालनी है और सात में से दो निकालनी है ये तय और उसके बाद टोटल कितनी है बारह में से कोई चार निकालना तो ये टोटल आउटकम्स बारह में से चार निकालना करेक्ट दो वाइट हो पांच में से दो निकालना बाकी फिर जो बची हुई सात है हरिया काली उनमें से कोई दो निकालना यही इस सवाल का उत्तर है कहो तो इसे सॉल्व कर देता हूं मैं क्या आ जाएगा फाइव सी टू का मतलब कितना आ जाएगा डायरेक्ट कर रहा हूँ पाँच गुणा चार तो दस तो ये आ जाएगा दस गुणा अब मैं मौके कैसे कर रहा हूं फिर बता रहा हूं जैसे मैं पाँच गुणा चार काट देता हूँ तीन कट जाएगा दो दून चार दस आपको सिखाया है मैंने पीछे लिख देता हूं फिर से एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल तो दस गुणा सेवन सी टू कितना होगा टू कितना होगा तो सेवन सी टू का मतलब है कि सात पांच कट जाएगा इस बार सात इक्कीस हो जाएगा बटे का मतलब लिखना पड़ेगा थोड़ा लंबा हो गया। बारह चार चार तो, तो सीधे कट जाएगा दो से ये पांच बार कट जाएगा पांच से ये दो बार कट जाएगा तीन सत्ते, तीन तियान। तो ये कितना आ गया चौदह बटे तेंतीस इस सवाल का उत्तर कोई ऐसा बच्चा था जिसका आ रहा था पहला ए ऑप्शन चौदह बटे तैतीस करेक्ट कर लीजिए ए ऑप्शन चौदह बटे तैतीस कोई ऐसा बच्चा जिसका आ रहा था सर आप इतना कैसे डीप और गहरा सोच लेते हैं मैंने अपनी लाइफ में बहुत पर्सन देखा आपकी बातों की गहराइयों ने मुझे नेगेटिव सोच से बाहर निकाल दिया थैंक यू थैंक यू छतिज थैंक यू भाई

प्रोटल स्कोर इच ए प्राइम नंबर इच ए प्राइम नंबर होना चाहिए क्रैक लिख रहे हैं इच बी प्राइम नंबर एक बी की जगह बताइए दोस्त क्या उत्तर आ रहा है कौन बताएगा प्राइम नंबर वाला ये सवाल तो आपको बताना पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलेगा भाई ये सवाल आपको बताना पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलेगा हर चीज मैं नहीं बता पाऊंगा हर चीज मैं नहीं बता पाऊंगा आई एम डूइंग प्राइवेट जॉब इन गिफ्ट सिटी आई एम थर्टी टू लर्निंग दिस टू क्रैक डब्ल्यू की यू बिल्कुल बिल्कुल आप क्रैक करेंगे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं दो पासे उछाले जाते हैं दो पासे उछाले जाते हैं मैं एक और चीज क्या सोच रहा था करने की कि जो हमने ए टू जेड क्वांट में बैच पढ़ाए थे उनको एडिट करा के और उनमें से आलतू फालतू की बात निकलवा के और उनको वापस से बारह तेरह तेरह घंटे का वीडियो अपलोड करा दे ठीक है वो भी मैं सोच रहा था देखते हैं दो पास उछाले जाते हैं प्रायिकता है कि कुल स्कोर एक अभाज्य संख्या है प्रायिकता है कि कुल स्कोर एक अभाज्य संख्या है देखना ध्यान से तो। अब अभाज्य संख्या देखिए टोटल आउटकम्स तो छत्तीस हो जाएंगे दो पासों पे अब ये बड़ा मुश्किल है ये पता करना कि भाई अभाज्य हाँ नंबर आएगा ये बहुत ज्यादा मतलब बनेंगे बनाते हैं भाई और क्या है देखो एक कॉमा एक दो बनेगा अभाज्य हाँ नंबर एक कॉमा दो बनेगा एक कॉमा तीन नहीं बनेगा एक कॉमा चार बनेगा एक कॉमा पांच नहीं बनेगा एक कॉमा छः बनेगा एक वाले बन गए इतने दो दो से शुरुआत करते हैं दो और एक बनेगा दो और तीन बनेगा दो और पाँच बनेगा बनेगा इसके अलावा नहीं तीन से शुरुआत करते हैं तीन और दो तीन और चार तीन और पांच तीन और छह नहीं बनेगा दोनों में से कोई भी नहीं बनेगा चार और एक चार और एक चार और तीन चार और पांच नहीं बनेगा पांच और दो पांच और चार बनेगा नहीं पांच और छह के बाद छः और एक, और दो नहीं और तीन नहीं और चार नहीं, और यही आवाज़ संख्या बन रही है कितनी आ गई एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह फेवरेबल आउटकम्स हैं तीन पंजे पंद्रह कई लड़कों का पांच पटे बारह उत्तर आरत मैं मानता हूँ कि वो सब टैलेंटेड है मैं मानता हूँ कि वो सब टैलेंटेड है आगे बढ़ें इजाजत है तो आगे बढ़ें प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में सिर्फ उतना ही पढ़ना उसके अलावा कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना हिल फ्रस्ट्रेशन को डालो हिल फ्रस्ट्रेशन को फिर डालो मैसेज करो पेस्ट हिल फ्रस्ट्रेशन पढ़ लो भाई हिल हिल इस, इस पर क्लिक करके देख लो हिल जो मैंने भेजा है करो आज सबकी झंड मजा आ रहा है मुझे बहुत सबकी हो रही है ये सवाल कैसा है अनिल एक चिड़िया को तीन बार में एक बार मार सकता है अनिल कैन के लिए वर्ड वंस इन थ्री शॉट तीन बार शॉट में एक बार मार सकता है ऑन द अजम्पशन दैट ही फायर थ्री शॉट्स तीन शॉट्स मारता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड इज किल्ड चिड़िया मर गई बताओ चिड़िया मर गई बताओ बहुत दुख लग रहा है मुझे कि चिड़िया कैसे मर गई कैसे मर गई मेरी चिड़िया कैसे मर गई अरे राम अरे राम कोई बैठा है यहाँ दिल लगाने को चाहता है फिर दिमाग से खेल जाने को खुद सताया हुआ है किसी और की वजह से खुद चाह रहा है गलत है बट ये ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आपका दिल टूट गया आप किसी और को दुख देना चाह रहे हैं और किसी और को सताना चाह रहे हैं देखिए सवाल थोड़ा सा मुश्किल है और इसको कर पाना ही मुश्किल है क्योंकि मैं ये मान लेता हूं कि पहली बार में तीन बार में एक बार में वर्ड वंस इन ए शॉर्ट यानी उसके फेलियर की बात अगर मैं करूं अगर मैं उसके फेलियर की बात करूं तो दो बटा तीन उसकी फेलर है मान लेते लगा ही नहीं तीन शॉर्ट में एक लगेगा दो नहीं लगा दो बटा है एक बार यानी पहली बार में चिड़िया नहीं मरी उसकी प्रायिकता ये है दूसरी बार में भी चिड़िया नहीं मरी उसकी प्रायिकता ये है तीसरी बार में भी चिड़िया नहीं मरी उसकी प्रायिकता ये है यानी चिड़िया के ना मरने की प्रायिकता कितनी है आठ बटे सत्ता लेकिन हमें तो गारंटी से चिड़िया को मारना है तो मारने की प्राइवर्टी क्या होगी ना मारने की प्राइवर्टी उसमें से माइनस कर देते हैं उन्नीस बटे सत्तर ये सवाल थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हम मारने की नहीं निकाल पा रहे तो हमने ना मारने की निकाल ली कि एग्जैक्ट है ना मारने की प्राइवर्टी एग्जैक्ट है कि भाई तीन में से दो बार नहीं लगेगा फिक्स है तो दो बटा तीन दो बटा तीन दो बटा तीन तीनों बार की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दी एक में से उसको घटा दिया सर मेरी रिचा है ओहो देखिए अगर कोई भी शॉट हिट नहीं हुआ कोई भी शॉट हिट नहीं हुआ तो क्या होगा तीन में से एक शॉट हिट करता है नहीं हुआ मतलब कि दो बटा तीन दो बटा तीन दो बटा तीन पहले कोई बात नहीं अगर ये सवाल ज्यादा समझ में नहीं आया तो इसको याद कर लेना बट इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने करा दिया सीजियल निकालना कोई बड़ी बात नहीं लगती जीडी निकालना बड़ी बात है तो आप जीडी निकाल दो आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार जीडी निकालने पे आपको सम्मान देंगे तो आप जीडी निकाल दो मैं तो कहता हूँ बट निकाल दो कुछ ना कुछ बिना निकाले बात नहीं बनेगी चलिए भाई ये सवाल बड़ा प्यारा है ये कह रहा है कि एक सिक्के को तीन बार उछालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड टेल अल्टरनेटिवली आपने देखी बहुत सारे सवाल पढ़े बट अल्टरनेट वाला अभी तक आपने नहीं पढ़ा कि अल्टरनेटिवली इन थ्री थ्रोज ऑफ ए कॉइंस एक तीन कॉइंस को हमने थ्रो किया है एक साथ उछाला है तो बताओ भाई इसको कौन करेगा अब ऐसा सवाल आ गया तो आप देखना जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ा आसान है Head एंड टेल अल्टरनेट देखिए एक बात पहले तो बताओ कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे तीन कौन को उछाल रहे हैं तो, नौ, नौ या छह? कितने होंगे? आठ हो जाएंगे दो दो, दो, दो दो पहले में भी दो आते हैं दूसरे में भी दो आते हैं तीसरे में भी दो मल्टीप्लाई कर दिया करो आठ आउटकम्स हो गए टोटल आउटकम्स है आ, लेकिन अल्टरनेट आना है द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेट अब देखिए एक ही ऑप्शन है या तो एच टी एच आ जाए या फिर टी एच टी आ जाए ये दो ही है दो ही केस बन सकते हैं अल्टरनेट के बताओ मैं क्या कह रहा हूं दो ही केस बन सकते हैं अल्टरनेट के या तो एच टी एच आ जाए या फिर टी एच टी आ जाए दोनों में से कोई एक आ जाए तो कितने केस हो गए दो केस तो दो बटे आठ यानी टोटल एक बटे क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था इस सवाल का कोई भी ऐसा बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था देखिए आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है और यही समय कुछ करने का है आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं यही समय कुछ कर गुजर जाने का है इसको खोना नहीं है आगे बढ़े दोस्तों अच्छा सवाल है बहुत प्यारा सवाल है मजेदार सवाल था अब जैसे अल्टरनेट वाला हम दिमाग में नहीं सोच पाएंगे पेपर में जब सवाल आएगा तो लेकिन सोचना है अभी एच टी एच और टी एच टी एच टी एच और टी एच टी जिंदगी में नहीं है कोई परी <laughs> देखे पासों के एक जोड़े को फेंकने पर योग सात से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सात से अधिक आना है ना तो सात आना है ना कम आना है सात से अधिक आना है बताओ Mm -hmm. देखिए इसमें भी लिखना पड़ेगा निकालने पड़ेंगे टोटल तो सात से अधिक आने के जो केसेस हो जाएंगे वो पंद्रह हो जाएंगे और टोटल केसेस छत्तीस तो पांच बटे बारह आ जाएगा आप चाहो तो निकाल के देख लेना कैसे ये पंद्रह कैसे पता चलेगा तो मैं लिखूँगा सात से अधिक एक सात से अधिक है ना तो एक तो आएगा ही नहीं दो से शुरुआत होगी दो है तीन से हो तीन पाँच, तीन चार से होगी चार 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 पाँच चार छ पांच से पाँच तीन पाँच चार पाँच छ ऐसे होगी छ दो ए तीन ए चार पाँच कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच दस ग्यारह तो एक रह गया कोई एक कौन सा रह गया भाई सात आने पे दो छ तीन पाँच तीन छह चार 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 पाँच चार छ पाँच तीन पाँच चार पाँच छ है दो सात से अधिक आना है ना है दो है तीन है चार है पाँच अच्छा पाँच पाँच रह गए पाँच पाँच रह गए वो भी तो दस है तो पंद्रह टोटल केसेस हैं पंद्रह बटे छत्तीस पांच बटे बारह बोलो भाई किसी को डाउट है यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है यहाँ तक पांच पांच रह गया पहले कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है ये सवाल करो फटाफट से मजा आ जाएगा इस सवाल को करके गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस सवाल को करके मजा आ जाएगा कुछ आए या ना आए जल्दी बताओ सर यू आर ग्रेट टीचर सर पटवारी के लिए कुछ बता दो ठीक है पटवारी के लिए भी बता देंगे बैच भी शुरू कर देंगे यूट्यूब पे ऑल एग्जाम अभिनय ये कह रहा है कि अंक एक दो तीन चार पांच से बनी दो अंकों की संख्या के चार से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है चार से विभाज्य होने की प्रायिकता अरे यहाँ पे भी परमानेंट दर्द रहता है पता नहीं नहीं स्ट्रेस से कैसे परमानेंट जाता ही नहीं। दिल ऐसे धड़कता कल यहाँ पे फोन रखा हुआ था ऐसे फोन हिल रहा था बट गुजर जाएगा यार ये वक्त भी इतने सारे वक्त गुजरे हैं इससे भी खराब दौर गुजरे हैं ये तो कुछ भी नहीं है गुजार देंगे इसको भी हिला देंगे सिस्टम को बदलेगा वक्त देखो भाई एक दो तीन चार पांच से बनी दो अंकों की संख्याओं के चार से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है एक दो तीन चार पांच से बनी दो अंकों की संख्या के चार से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है चार से विभाज्य होने की प्रायिकता तो देखिए बड़े ध्यान से देखना है आप कह रहा हूं टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी भाई दो अंकों की संख्याएं बनानी है तो कैसे बनाते थे याद है कुछ

बयालीस नहीं हो सकती बावन हो सकती है चार से कट चार जिसके लास्ट में आ रहा है तो चौबीस हो सकती है चौतीस नहीं हो सकती चौवालीस हो सकती है चौवन नहीं हो सकती कितनी है एक दो तीन चार पांच संख्याएं ऐसी हैं जो कटेंगी टोटल संख्याएं पच्चीस है प्रोबेबिलिटी आ गई एक कोई ऐसा बच्चा इसका एक बटे पांच आ रहा था विभव का आ रहा है विभास विभास का उत्तर आ रहा है और अंकित भाई का नहीं आ रहा है शुभम सिंह का आ रहा है शुभम राज का आ रहा है गुंजन का गलत आ रहा है संजय यादव का इलाज करो इन सबको भेजो लिंक इलाज करो इनके ऐसे नॉर्मल बात नहीं बनेंगे करो इनके इलाज तुरंत चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत प्यारे सवाल कराए मैंने बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी समझाई कोई बच्चा ये उंगली नहीं उठा सकता कि आपने जब पहले एस में प्रोबेबिलिटी नहीं आती थी तब पढ़ाई थी और अब पढ़ाए तो कितने अंतर के साथ पढ़ाए कितने प्यार से कितने अच्छे से समझाया है देखो ये कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग क्या सवाल है गधे है ना गलत टाइप करेंगे गधे और फिर उसकी हिंदी करेंगे सेम टू सेम द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग सिक्सटीन इन वन थ्रो विथ थ्री डाइस द ऑफ थ्रोइंग सिक्सटीन इन वन थ्रो सेंटीमीटर नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं है सेंटीमीटर का इन वन थ्रो विथ थ्री डाइस कौन बताएगा उत्तर जल्दी बहुत प्यारा सवाल है ये भी सर पटवारी का पेपर है सर मार्च में सुन लीजिए सर ठीक है सुन लेते हैं सुना हुआ ही है हमने ऐसा कुछ नहीं है हमारा फोकस रहता है हमेशा पटवारी पे सर एसएससी को फोन लगाइए रिजल्ट के लिए नहीं 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 रहने दीजिए देखिए तीन पासे उछाल रहे हो तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे अभी मैंने बताया था गुणा कर देते हैं छह गुणा छः दो सौ सो सोलह टोटल आउटकम्स टोटल आउटकम्स दो सौ सो सोलह हो जाएंगे ठीक है अच्छा अब हमें फेवरेबल आउटकम्स सोलह बनाना है तो सोलह कैसे कैसे बन सकता है पाँच पाँच छ से सोलह बन सकते बोलो पाँच पाँच छः से सोलह बन सकता है कि नहीं अब इसको मैं घुमा फिरा भी सकता हूँ कि छ को पहले ले आऊँ, छः पाँच पाँच और फिर छ को बीच में ले जाऊं तो ये सब में सोलह बन रहा है बन रहा है कि नहीं अच्छा एक और कैसे बन सकता है छे, छे, चार छोले बन सकता आप कहेंगे छ चार छ और चार छ छ इसके अलावा कोई और चारा है इसके अलावा कोई और चारा है गाँव में पटवारी के पीछे कुत्ता पड़ गया सारे गाँव में भागने के बाद पटवारी पेड़ पर चढ़ गया और हाँपते हुए बोला बहुत पटवारी पटवारी हो रहा है हुआ क्या कि गाँव में पटवारी के पीछे कुत्ता पड़ गया और सारे गाँव में भागने के बाद पटवारी पेड़ पर चढ़ गया और हाँपते हुए पता है क्या बोला वैसे मैं गाली नहीं देता हूं लेकिन अब आ गया तो बोल के बताऊंगा कि साले तेरे पास एक इंच भी जमीन होती ना तो तो पता चलता कि तूने किससे पंगा लिया है तो पटवारी का काम पता है क्या है सिर्फ जमीन का राजा है वो अगर उसने नाप दी कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है भाई साहब फिर ये कह दे कि ये तुम्हारी नहीं है कहते हैं ना कि मैं जिंदगी भर कु रह लूंगी भले ही जिंदगी भर मैं रह लूंगी कुरी लेकिन शादी उससे करूंगी जो होगा कहीं का पटवारी तो पटवारी का बड़ा क्रेज होता है अपने आप में कि लड़कियां भी सालों साल कुआरी रह लेती हैं कि शादी अगर मैं करूंगी तो पटवारी से करूंगी एक अलग क्रेज है पटवारी का तो टोटल देखिए छह फेवरेबल केस हैं और सो सोले टोटल ये तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई एक बटा छत्तीस एक बटा छत्तीस न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी अब मोहब्बत जिससे भी होगी पटवारी बनने के बाद तो भैया पटवारी बन के रहना है इसके अलावा कोई और केस नहीं बन सकते जिससे हम सोलह बना सकते हैं क्योंकि आपको भी मालूम है सोलह बनने जैसे छह मतलब अठारह होता है अब अठारह में आप क्या कर सकते हो एक कम कर सकते हो यहाँ एक कम कर सकते हो दो कम कर सकते हो उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम सोचें कि हम तीन से बना लेंगे सोलह तो नहीं बनेगा क्योंकि अगर आपने तीन लेने की कोशिश की तो फिर आप तेरह चाहिए और तेरह तो आ नहीं सकता दो में ये ललित मोदी का और सुषमता का क्या हुआ है वो बता रहे नई कार खरीद के लाई और वो वहां पर ऑक्सीजन ले रहा है पहले तो ये एक दूसरे को मुंह से ऑक्सीजन दे रहे थे क्या है? चल क्या रहा है यार ये ऐसे मतलब धोखाधड़ी हो रही है वो वहाँ हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ यहाँ ये उसके क्रेडिट कार्ड से मर्सिडीज ले आई क्या ये अन्याय नहीं है वो था ना इनका लव कौन सा था अनकंडीशनल लव था भाई इन्होंने दोनों ने हद मचा दी यार कितनी सच्चाई है इसमें कितनी गहराई है भगवान जाने क्या है इसमें बात करते हैं चलो ललित को समझाता हूं मैं कि ऐसे ही होते हैं के इसीलिए मैं कहता हूं ललित सरकारी नौकरी ले लेता तो बहुत सही रहता चलो ये सवाल करो बड़ा प्यारा है आप मेरी पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी की क्लास भी देख सकते हैं पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी की क्लास देख सकते हैं उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था और किया था ठीक है देखो भाई ये कह रहा है कि 600 वोल्ट में 20 परसेंट बहुत बड़े हैं और 10 परसेंट बहुत छोटे हैं शेष उपयुक्त माने जाते हैं तो उपयुक्त होने की प्राइवर्टी एक बात बताओ 20 और 10 यानी 70 परसेंट उपयुक्त है तो बस यही प्रॉब्लटी है सात बटे दस कई लोग क्या करेंगे इसमें पहले 600 का 20 परसेंट निकालेंगे फिर दस निकालेंगे अलाना फलाना दिमाग का करेंगे अरे नहीं बीस बहुत बड़े दस परसेंट छोटे सत्तर परसेंट ठीक है और वही बतानी है प्रॉब्लटी तो सत्तर परसेंट सात सौ में सत्तर है? बटे दस हो। एक बच्चा दो सौ सो सोलह कैसे आ? अगर यार तीन डाइस उछाल रहे हो पहले वाले में छह तरीके हैं दूसरे वाले में भी छह तरीके उसके वाले भी छह तरीके दो सौ सो सोलह नहीं होगा जब दो आते थे दो डाइस उछालते थे तब छत्तीस लिखते थे छह गुणा छे पे तो छत्तीस लिखते थे कैसी बातें कर रहे हो यार आप आदमी अच्छे नहीं द प्रोबिलिटी दैट इन द टॉस ऑफ टू डाइस वी ऑप्टेन द सम सात और ग्यारह अब यहां पे एक लफड़ा फंस गया कि या तो सात या ग्यारह ये कौन बताएगा सम कह रहा है सात या ग्यारह दोनों में से कोई एक कैसे निकालेंगे प्रो सर मुझे पटवारी की तैयारी करनी है प्लीज मेरी हेल्प करिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करूं देखिए पटवारी की तैयारी में मतलब क्या हेल्प कर सकता हूं मैं आप बताओ यही मोटिवेशन दे सकता हूं कि वो क्वारी बैठी है जब तक पटवारी नहीं बनोगे तब तक पटवारी एक बहुत आसान सा एग्जाम है यार बट क्या है कि अब बीटेक वाला भी पटवारी बनना चाह रहा है सबसे ज्यादा हालत खराब तो देश में इंजीनियर्स की हुई है बेचारों की आपको पता है जो स्टूडियो में कल बंदे ने बोर्ड लगाया और लाइट लगाई है वो इंजीनियर है बताओ यार मुझे तो मैंने उससे पूछा कि यार आपने क्या कोई कोर्स किया है बोले भाई साहब कहानी बस बताऊंगा नहीं क्या कोर्स किया मैं समझ गया इंजीनियर है बताओ बीटेक किया उसने हमारे यहाँ जो टेली कॉलर है वो भी इंजीनियर है बताओ ये स्थिति है बीटेक की अब आप बताओ इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है क्योंकि इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं आज इतने स्टार्टअप देश में आए बट उसमें इंजीनियर्स का रोल नहीं रहा अब मैकेनिकल इंजीनियर तो पाइथन नहीं चलाएगा ना या ऐप डेवलप नहीं करेगा चलो कंप्यूटर साइंस वालों का जमाना आया मैकेनिकल इंजीनियर क्या करे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करे केमिकल इंजीनियर क्या करे सिविल इंजीनियर तो चलो फिर भी इतनी सारे बिल्डिंग बन रहे हैं सिविल इंजीनियरों को भी जॉब मिली है बट बहुत ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको नहीं मिल पाई सर मेरी जी मुझे डिप्रेशन में रखी है कैसे रख कोई कि कोई कमरा है 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 उसने तुम्हें वहां रख दिया फिर काई की है तुम्हारी तुम तुम उसे कह रहे हो पे हो ही पे अगर जिस आदमी तुम्हारे जीवन में है तो सार भाई हैं आप तो भूल भूल ही गए हमें कैसे सकते नेवर एवर बैक आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी है देखिए अगर मैंने दो डाइस दो पास उछाले तो टोटल छत्तीस हो जाएंगे सात आने का मतलब देखिए या तो तीन चार आ जाए फिर या चार तीन दो पाँच पांच दो छ एक एक ग्यारह आने का मतलब छः पाँच या पाँच छ इसके अलावा और ग्यारह नहीं आ सकता एक दो तीन चार पाँच टोटल फेवरेबल आउटकम्स आठ हैं तो चार से भाग करूंगा दो बटे यही उत्तर दो बटे नौ इच द करेक्ट आंसर दो बटे नौ इज द करेक्ट एक बच्चा कह रहा सर दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ बताओ भर्ती आने वाली है बहुत खतरनाक है दिल्ली पुलिस जिस दिन तुम हत्या चढ़ गए हिल कर देगी तुम्हारा और क्या बताऊं इससे ज्यादा सवाल करो बड़ा प्यारा सवाल है देखो एक से सौ तक की संख्या वाले सौ कार्डों में से एक गड्डी में से एक कार्ड यादर निकाला गया एक वर्ग संख्या निकलने की प्रायिकता क्या है तो तक नंबर लिखे हुए हैं कार्ड्स पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह जैसे गांव में नहीं होता था गांव में तो गिनती सुनना करते थे एक इकाई 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 दो तीन चार इकाई पांच इकाई छह इकाई और लिखते भी कैसे थे यार मैं तो सोचो फिफ्थ क्लास तक फिफ्थ तक बल्कि क्या और बल्कि एट्थ क्लास तक एक कैसे लिखा है एक दो तीन इकाई इकाई कारीकाई है ना मैं तो चार बनाना ही भूल गया पांच इकाई सात इकाई आठ इकाई नौ इकाई दस दस एक ग्यारह दस दो बारह दस तीन तेरह दस चार चौदह दस पांच पंद्रह देखो अब मैं कह रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते कितने टोटल संख्याएं सौ है ये बात तो होते हैं अब सौ तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक चार नौ सोलह पच्चीस बत्तीस उनचास चौसठ इक्यासी सौ तक एक दो तीन चार मतलब दस संख्याएं होती बेसिकली दस संख्याएं हैं तो एक पटा एक बटा दस आ गई सबकी आ रही है प्रोबेबिलिटी यार सारे बच्चे इंटेलिजेंट है मजा आ रहा है सर मजा आ रहा है अब आ रहा है ना मजा स्टार्टिंग में नहीं आई थी चीजें समझ लेकिन अब स्टार्टिंग वाली क्लास भी देखोगे तो वो भी मजा आ जाएगा उसमें भी कुछ नहीं बचेगा पंद्रह खिलाड़ियों में से आठ बल्लेबाज और सात गेंदबाज हैं तो ज्ञात कीजिए कि छह बल्लेबाज और पांच गेंदबाजों में से एक टीम चुनी जाती है तो क्या होगा भारतीय टीम का चयन हो रहा है बताइए तो आपकी एड कॉन्ट पॉइंट जीरो से एस एस सी दो हजार तेईस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ देखो भाई अब टोटल खिलाड़ी हैं पहले तो आठ में से छह बल्लेबाज चुनने हैं तो एट सी फिर सात में से पांच गेंदबाज चुनने सेवन सी फाइव और टोटल पंद्रह खिलाड़ियों में से ग्यारह चुनने पंद्रह सी ग्यारह तो ये उत्तर आ जाएगा ये तो बहुत नॉर्मल था सॉल्यूशन भी नहीं करा रखा इन्होंने ये आंसर आ गया सब बच्चों ने बता भी दिया सौरभ यादव का जवाब दो भाई बहुत रिपीट बता रहा है ये देखिए पहले वाले में क्या था कि रिपीट थी संख्या यहाँ पे साफ बोल दिया कि रिपीट नहीं बनानी यहाँ पे इन्होंने साफ कह दिया कि रिपीट नहीं बनानी संख्या यहाँ पे इन्होंने साफ ये कह दिया कि आपको संख्या रिपीट नहीं बनानी एक दो तीन चार से बिना किसी पुनरावृत्ति के चार अंकों की संख्या बनाई जाती है संख्या के विषम होने की प्रायिकता क्या है एक बच्चा मेंस बैच में एडमिशन की बात कर रहा है जब अभी जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेंस बैच दो तीन दिन के लिए मेंस बैच ओपन होंगे आप उस वक्त एनरोल कर लीजिएगा ठीक है चलिए एक दो तीन चार से बिना किसी पुनरावृत्ति के तो पहले तो एक बात बताइए दो अंकों की कितनी चार अंकों की संख्या बनानी है चार अंकों की संख्या कितनी बनेगी देखिए पहले खाने में चार कोई भी आ सकती है अब रिपीट नहीं होगी तो अगले खाने में तीन रिपीट नहीं होगी तो अगले में दो टोटल संख्याएं होंगी चार तिया बारह दूनी चौबीस तो टोटल संख्या चौबीस टोटल संख्याएं होंगी जो बन सकती है चार अंकों से चार अंकों के एक दो तीन चार लेके आगे पीछे घुमा के और तो कुछ होगा नहीं अब इन्होंने कहा है विषम तो मतलब है लास्ट वाले खाने में केवल एक या तीन आ सकते दो तरीके से भर सकते हैं लास्ट वाले खाने या तो एक या तो तीन मानते हैं कि नहीं लास्ट वाले खाने को हम हम ऐसा कर सकते हैं इसमें पहले हमने एक फिक्स कर दिया तो अब मैं इसमें कितना भर सकता हूँ तीन दो और तो ऐसे बनेंगे फिर मैंने इसमें तीन फिक्स कर दिया अब टाइप एक, तीन, दो। ऐसे, और ऐसे टोटल बारह संख्या बारह बटे चौबीस यानी तो हाफ आ रही है प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ रही है इसकी ऑड वाले नंबर की आपका क्या आंसर आ रहा है ही गया हाफ ही आ रहा है हाफ ही आएगा बारह बटे चौबीस बराबर हाफ यानी नन ऑफ डी दी डीज द करेक्ट आंसर डीज द करेक्ट आंसर आगे बढ़े एक्स साठ परसेंट में सच बोलता है और वाई पचास परसेंट मामलों में सच बोलता है वे घटना का वर्णन करते हैं तो एक दूसरे का खंडन करते हैं ये सवाल निकाल के बताना है जल्दी सबको जल्दी सवाल बताना है पांच हजार लाइक्स भी हो जाएंगे इसमें होगा क्या कि कंडीशन ये है कि कॉन्ट्राडिक्ट करना है यानी पहले वाले ने सच बोला और दूसरे ने झूठ या पहले वाले ने झूठ बोला और दूसरे ने सच यही प्रोबेबिलिटी है अगर या आ गया तो प्रोबेबिलिटी जुड़ेगी और ये सोच एंड झूठ है तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी बात खत्म पहले वाला सच बोलता है इसकी प्रॉबर्टी तीन बटे पांच है और दूसरे वाला आप झूठ बोलेगा तो उसकी सच बोलने की प्रॉब्लिटी एक बटा दो है झूठ बोलने की भी एक में से घटाऊंगा एक बटा दो होगी झूठ बोलेगा एक ऐसा सवाल और पूछ लेता आपको अच्छा लगेगा एक ऐसा सवाल और पूछ लेता हूँ आपको अच्छा लगेगा देखिए आज मैंने बहुत बेसिक पढ़ाया मैंने बहुत बेसिक से आपको बताई चीजें ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत एडवांस मैंने पढ़ा दिया आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया मैंने बहुत ध्यान से तमीज से मैं एक और सवाल ऐसा पूछ लेता हूँ डोंट वरी परेशान होने वाली बात नहीं एक और ऐसा देख लीजिए क्योंकि सच झूठ पे सवाल आ सकता है कोई नहीं जोश भी आएगा थोड़ा टाइम लगेगा जोश भी आएगा भाई सब कुछ आएगा लेकिन अब पढ़ना जरूरी है मैं जोश का इंतजार करता रहूंगा तो फिर क्लास ही नहीं हो पाएगी बताओ क्या करूं मैं देखिए अब पहले वाले में क्या है कि पहले वाला सच बोलता है, तो चार बटे पांच ये कितना आ गया भाई सात और चार ती बारह और सात उन्नीस बटे पचास उन्नीस बटे पचास आ रहा है यानी कि अड़तीस बटे सौ जीरो पॉइंट थ्री एट इस बात की ये देखिए सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x बटे बारह है सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x बटे बारह सही उत्तर का अनुमान ना लगाने की प्रायिकता दो बटे तीन है तो x किसके बराबर है आपको पता है कि अगर ना लगाने की प्रोबेबिलिटी दो बटे तीन है तो लगाने की प्रोबेबिलिटी एक बटा तीन होगी एक बटा तीन तभी आ सकता है जब एक्स चार हो एक्स का मान चार क्या ही मुश्किल था सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ही सवाल मुश्किल था एक प्रायिकता पड़ोस में रहती है आज तक समझ में नहीं आई क्यों चाह रहा है समझना भाई क्यों चाह रहा है लड़का समझना ये सवाल अपने आप में बहुत मुश्किल है इसको करने की कोशिश कर लीजिए चले कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं आपको अच्छा लगेगा आज के लिए इतना ही रखते हैं काफी टाइम भी हो गया आरडब्ल्यू में एक नहीं दे रहा काफी सवाल दे रहा हूँ नहीं समझ आएगा तो सीखेंगे अगर आपको ये सवाल देखने हैं यहां से बात कर रहा हूँ यहाँ से अगर आपको ये सवाल देखने हैं तो मैं उसका लिंक भी भाई जब पीडीएफ जाएगी ना तब उसका लिंक भी शेयर करा देना इस वीडियो का भी साथ में प्रॉबल्टी की पुरानी क्लास है मैंने वहां पर यहां से सारे सवाल करा चुका हूँ ये सब सवाल करा चुका हूँ ये सब बच्चा देख लेगा उसको ये सब सवाल घर पे करेगा नहीं होंगे तो वीडियो देख लेगा पुरानी वाली बट बाकी मैंने आज जितने भी सवाल कराए थे वो सब नए थे आपको मजा आएगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो बट प्रोबेबिलिटी में इससे ज्यादा इससे ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है इट्स मोर देन ए ठीक है चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं अगली मुलाकात फिर होगी आपसे बहुत जल्दी तब तक विदा लेता हूं नहीं 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 हाँ देखिए अंधेरी है रात तो क्या और ऊंचे हैं ख्वाब तो क्या जुनून भी तो रखता है आसमान में उड़ने का तो वैसे खैर मैं कभी आसमान में उड़ने की मैंने ख्वाहिश की नहीं आसमान में उड़ने से मतलब यही है ऊंचाइयों को छूना है तो काली होती है रात लेकिन रात भी तो है उसका भी अपना अलग आनंद है देखिए जहाँ पे जीत निश्चित है और पता है कि हम जीतेंगे तो वहां तो कोई डरपोक भी लड़ सकता है लेकिन जहाँ हार निश्चित हो और वहाँ जीतने की हिम्मत रखना ये साहसियों का काम वो रखना है हमें ठीक है चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप सब ख्याल रखिए खुश रहिए मिलते रहेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ बताइएगा कमेंट करके कि आप क्या चाहते हैं क्या पढ़ना चाहते हैं आज की क्लास में आपको को कोई कमी लगी हो तो बताइएगा उसे सुधारने की कोशिश करेंगे या आप अगर हमारी ऐप पे भी पढ़ रहे हैं तो भी आप हमें अभिनय मैथ्स विद अभिनय एट द रेट ऑफ़ जी मेल डॉट कॉम मेरी आई डी है एम ए टी एच एस डब्ल्यू आई टी एच ई बी एच आई एन एट द रेट ऑफ़ जी मेल डॉट कॉम आप किसी प्रकार की मदद चाहते हैं कि आपके पास फीस कम है या कोई और आपके पास समस्या है लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें आई डी पर अपना नंबर नाम और नंबर के साथ समस्या लिख कर भेज सकते हैं ठीक है तो मुलाकात होगी ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा बाय बाय टेक केयर धन्यवाद थैंक यू वेरी मच लव यू ऑल बाय बाय